अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम SST पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट क्लास 8 SST। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे, तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। और आपको इसका हम PA सेकंड का सिलेबस बता देते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए, आपको हमने पहले से बता रखा है कि PA फर्स्ट का क्या था, हाफ ईयरली का क्या था। और हाफ ईयरली में हमने 3 चैप्टर लगवाए थे, 3, 4 और 5, द रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। मगर फिर हमने हाफ ईयरली में आपको सिर्फ और 2 चैप्टर करा दिए थे, ये वाला आपको कट करा दिया था। तो ये वाला कट ही करे रहन दिए, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे PA सेकंड का चैप्टर नंबर 6 और 7। ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये चैप्टर आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। अगर आपको पढ़ना है वैसे घर पे, तो अपने आप ऐसी रीडिंग कर लीजिएगा, तो ठीक है, मालूम तो होना चाहिए खैर सभी चैप्टर के बारे में। तो आप इसे अपने घर पे ही सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा, मगर इसे हम नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल में नहीं आएगा ये चैप्टर आपके। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PA सेकंड का। तो PA सेकंड का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, यानी हिस्ट्री में 2 चैप्टर आएंगे PA सेकंड में आपके। कितने चैप्टर आएंगे हिस्ट्री में? 2 चैप्टर आएंगे PA सेकंड में, एक है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, ठीक है स्टूडेंट्स? ये दोनों चैप्टर हमें तैयार करने हैं PA सेकंड के लिए हिस्ट्री में। फिर ज्योग्राफी में बताएं, तो ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ हमारा ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। क्या? चैप्टर नंबर 4, सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर। उसके बाद ये दोनों हमारा आगे एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो ये दोनों किस, ये सिर्फ और सिर्फ PA सेकंड का सिलेबस क्या है ज्योग्राफी का हमारा? सिर्फ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, ठीक है? सिर्फ एक चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर। फिर बात करते हैं हम सिविक्स की। तो सिविक्स में हमारे, हमने ये एग्जीक्यूटिव हमारा हाफ ईयरली में आ रहा था बच्चों, मगर हम पढ़ नहीं पाए थे, ठीक है? तो ये चैप्टर हमने कट कर दिया था, तो इसे हमें कट कर देना है, हमें नहीं पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारे PA 2 का सिलेबस होगा सिविक्स का, ठीक है स्टूडेंट्स? तो सिविक्स में हमारा PA 2 में क्या आएगा? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग लॉज और द जुडिशरी, ठीक है? उसके बाद ये जो आपका द एग्जीक्यूटिव जो बचा हुआ है, जो आपने पढ़ा नहीं है ना हमने पढ़ाया है, तो ये आप अपने आप घर पे ही ऐसी रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है? ये चैप्टर आपको खुद ही तैयार करना है, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो इसमें हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। मगर ये एग्जीक्यूटिव चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्या मतलब, जानना तो चाहिए हमें एग्जीक्यूटिव होता क्या है। तो इसके बारे में आप खुद घर पर ही इसे पूरा चैप्टर रीड कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि नॉलेज तो होनी चाहिए हमें, तो इसे आप बस रीड कर लिएगा। हमें इसे याद नहीं करना है, समझना है बस आपको, ठीक है? ना ही हम पढ़ाएंगे इसे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में आएगा नहीं। हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका सिविक्स का PA 2 का सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, वीवर आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो यहाँ पर देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 4 2 पार्ट में ख़त्म हो रहा है, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 में। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 किस में स्टार्ट होगा? पार्ट नंबर 8 में स्टार्ट होगा, और पार्ट नंबर हो सकता है 9 भी लग जाए इसमें। तो पेज नंबर 41 ओपन करिए, उससे पहले पेज नंबर 21 ओपन कर लिए, मैं आपको पार्ट्स दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? हिस्ट्री में पहले पेज नंबर 21 ओपन कर लिए। चलिए 21 पे आइए, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 27 ओपन करिए, पेज नंबर 27 लास्ट चैप्टर जो हमारा है। हमने ये पढ़ा था ट्राइबल डिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, ये हमारा देखिए पार्ट 6 में स्टार्ट हुआ था। कितने में? पार्ट 6 में हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हमने पार्ट 6 में पूरा पढ़ा था। उसके बाद हमने ये पार्ट 6 में पढ़ा, और यहाँ पर हमने बताया कि आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। फिर हमने यहाँ से पार्ट 7 स्टार्ट किया था, ठीक है? हम आपको पार्ट बता रहे हैं कि कौन सा पार्ट लेना है हमें। यहाँ से हमने पार्ट 7 स्टार्ट किया, उसके बाद ये सारी रीडिंग करी यहाँ पर, उसके बाद हमने ये एक्सरसाइजेस करी पार्ट 7 में, ठीक है? और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पर फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो हमारा था, जो हमने कट करवा दिया। तो ये हमने कट करवा दिया है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, कौन सा? वीवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर, वीवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों? ये हमारे 2 पार्ट में ख़त्म है, पार्ट 6 और पार्ट 7 में ख़त्म है। तो ये वाला हमारा क्या स्टार्ट होगा? पार्ट 8 में स्टार्ट होगा। अभी हमने जैसे यहाँ बताया आपको, जैसे हमने यहाँ बताया ये पार्ट 6 में स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पर हमारा पार्ट 6 हमने यहाँ कंप्लीट किया था, फिर पार्ट 7 यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर पूरे एक्सरसाइज करी हमने पार्ट 7 में। उसके बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, और इससे पहले चैप्टर नंबर 5 जो हमने छोड़ दिया है, वो आपको कट कर देना है। चैप्टर नंबर 5 आपको कट कर देना है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो अपने आप घर पर पढ़ लीजिएगा, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 हमें पढ़ना है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं पार्ट नंबर 8 में।
तो पेज नंबर 41 ओपन कर लिए और यहाँ टॉप पर क्या लिखेंगे, हम पार्ट लिखेंगे। पार्ट कौन सा है हमारा, ये पार्ट नंबर 8 है, तो यहाँ पर लिख लिए पार्ट 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर पार्ट 8 में स्टार्ट हुआ है हमारा चैप्टर। और यहाँ पर आपका काम है, ये आपका काम क्या है, डेट लिखना। डेट किस दिन की लिखेंगे आप, यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, किस दिन की, जिस दिन हम ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे तो उस दिन देखिएगा किस दिन अपलोड हुई है, और उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स रीड। अंडर ब्रिटिश रूल द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री पर्टिकुलरली टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील स्टार्टेड इंडस्ट्रियल एंड स्टील स्टार्टेड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेड ब्रिटिश द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन इन द मैकेनिज सॉरी मैकेनाइज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन 19th century। अभी ये क्या कह रहे हैं, रीडिंग ही हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई है, ब्रिटिश रूल के साथ। ये कह रहे हैं जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, अंडर द ब्रिटिश रूल, तो जो डेवलपमेंट्स था किसका, क्राफ्ट्स का और इंडस्ट्री का, वो पर्टिकुलरली किस इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, ये जो है रिवोल्यूशन चल रहा था इसका, ये स्टार्ट हो चुकी थी और रिवोल्यूशन इसका चल रहा था। मेड ब्रिटिश द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, और इससे क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश की, ब्रिटिश को ये लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन इन द मैकेनाइज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, 19th century में कॉटन टेक्सटाइल के मैगनाइज प्रोडक्शन में ये इंडस्ट्रियल नेशंस के नाम, लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन में इसका नाम आ रहा था ब्रिटिशर्स का। कंसाइडिंग विद दिस द ग्रोथ ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आफ्टर 1850s मेड ब्रिटिश द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बढ़ोतरी में, उसके साथ साथ मतलब जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जैसे ग्रोथ हो रही थी उसकी, तो 1850 के बाद ब्रिटिश जो है वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाने लगे। क्यों वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाने लगे, क्यों, क्योंकि वो इतनी तरक्की करते जा रहे थे, उसकी उनकी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा तरक्की करती जा रही थी। इट वॉज क्लोजली लिंक विद द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, और ये पूरा जो है इंडियन कॉलोनाइजेशन से टोटली लिंक कर रहा था। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू एनेक्सेशन ऑफ इंडिया टेरिटरी, और जो ब्रिटिश इंटरेस्ट था ट्रेड करने का, उससे क्या हुआ, इंडियन टेरिटरी पे उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, उसे हड़पना शुरू कर दिया, इंडिया पे मतलब हुकूमत करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद बट द वेज ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द एयर्स, मगर सालों साल में जो वेज था, जो तरीका था उनका ट्रेड करने का, वो चेंज हो गया, पूरे एक साल में वो वेज चेंज हो गया उनका। उसके बाद द कंपनी इनिशियली यूज टू परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप एंड मेक ह्यूज प्रॉफिट। ये कंपनियाँ भी क्या करती थी, देखो इंडिया से सस्ते दामों में सामान ज़बरदस्ती खरीदा करती थी, और उसके बाद ख़रीद के वो यूरोप जाके और इंग्लैंड जाके उसे काफ़ी महंगे दामों में बेचा करती थी, जिससे उन्हें ह्यूज प्रॉफिट मिलता था, काफ़ी फ़ायदा मिलता था। वेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ब्रिटिश कैपिटलिस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया एज अ बिग मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल गुड्स। क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बढ़ने लगा, जब इंडस्ट्रीज का इनके प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो ब्रिटिश जो कैपिटलिस्ट थे उन लोगों ने जो है इंडिया को कैसे देखना शुरू कर दिया, एक बड़ी मार्केट की तरह देखना शुरू कर दिया अपने इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। मतलब अब जो इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्हें सामान चाहिए होता था, इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल जो सामान चाहिए, उसके लिए ये लोग इंडिया को एज अ मार्केट देखने लगे कि अब इंडिया से ही सारा सामान लेंगे अपनी मार्केट में लगाने के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन केम टू इंडिया इन ह्यूज क्वान्टिटी अफेक्टिंग इंडिया क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। अब क्या होने लगा, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, जो मैन्युफैक्चर करे हुए सामान थे, वो कहाँ से आने लगे, ब्रिटेन से मंगवाए गए इन लोगों ने। ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है इंडिया के अंदर मंगवाए गए ह्यूज क्वान्टिटी में, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। उससे क्या हुआ, जो इंडिया का क्राफ्ट और इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय होने लगी, ख़त्म होने लगी, मतलब उसमें नुकसान होने लगा। क्यों, अब क्योंकि वो लोग ब्रिटेन से मंगा मंगा के इंडिया के अंदर बेच रहे हैं, तो इंडिया का सामान बिक ही नहीं रहा था, इंडिया के सामान पे क्या होने लगा, इंडिया का सामान कम बिकने लगा, उसकी इंडस्ट्रीज़ पे नुकसान होने लगा। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट्स, अब इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट की बात करते हैं। इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड अराउंड 1750th century। ये कह रहे हैं अगर हम 1750 की बात करें, तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी। ठीक है, सब इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल थी, मतलब कॉटन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा कॉटन यहीं पर प्रोड्यूस होती थी 1750 तक। दिस वॉज द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, और ये वो पीरियड है जब ब्रिटिश ने बंगाल पे अभी कब्ज़ा नहीं किया था, ब्रिटिश जो हैं वो बंगाल पे अभी नहीं आए थे, उन्होंने बंगाल को अपने काबू में नहीं किया था, जबकि बात बता रहे हैं हम।
टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडिया वर नोन फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्विसाइट क्राफ्ट्समैन। और जो टेक्सटाइल इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था वो उसकी फ़ाइन क्वालिटी और वहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी तारीफ की जा सकती है, मतलब उसके बारे में जाना जाता है। मतलब जो उस ज़माने के जो टेक्सटाइल्स थे जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिया वाले, वो उसकी अच्छी क्वालिटी को और जो उसे बना रहा था उसकी काबिलियत को इंसान जाना जाता था उस टाइम। उस ज़माने में इंडिया के ये लोग जाने जाते थे जो लोग क्राफ्टमैन थे, क्राफ्टमैनशिप जो उस पर मतलब टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने में काम कर रहा है। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल्स वर वाइडली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। और जो इंडिया के टेक्सटाइल्स हैं वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा तौर पर साउथ ईस्ट एशिया से, वेस्ट और सेंट्रल एशिया से जो है ट्रेड कर रहा था, जैसे कि जावा, सुमात्रा, पिनांग वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल्स के नाम यहाँ पर बताए हैं, मार्केट के नाम बताए हैं, एक जावा, सुमात्रा और पिनांग, ये कुछ सम इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं इंडिया के टेक्सटाइल्स के। ट्रेड इन इंडिया टेक्सटाइल्स बिगेन इन, यहाँ पर है, देखिए आप अपनी बुक में ओपन करके रखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, ऐसे आपको साफ नज़र नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं देखता हूँ, फिर यहाँ पर है नेक्स्ट ट्रेड इन इंडिया, यहाँ पर है ना ट्रेड इन इंडिया टेक्स्ट इंडियन टेक्सटाइल बिगेन इन द 16th century। इंडियन टेक्सटाइल के अंदर जो ट्रेड शुरू हुआ वो 16th century में स्टार्ट हुआ एंड इट बिकेम सो पॉपुलर इन यूरोप मार्केट्स। और वो इतना ट्रेड उनका पॉपुलर हुआ, इतना उनका ट्रेड जब 16th century में स्टार्ट हुआ तो वो इतने पॉपुलर हुए कि वो यूरोप में भी जाके उनकी यूरोप मार्केट में भी उनका नाम होने लगा। दैट मैनी इंग्लिश वर्ड बींग्स यूज फॉर टेक्सटाइल हैव एन इंडियन ओरिजन। और ये कह रहे हैं सो पॉपुलर इन यूरोप मार्केट दैट मैनी इंग्लिश वर्ड्स बींग यूज फॉर टेक्सटाइल हैव एन इंडियन ओरिजन। ये कह रहे हैं यहाँ तक के कुछ जो इंग्लिश वर्ड्स थे वो जो यूज़ करे जा रहे थे टेक्सटाइल्स के लिए उनकी खुद की इंडियन ओरिजिन होती थी, मतलब वो वर्ड इंडिया से लिए जाते थे। अब इतनी तरक्की करने लगे कि लोग बाग इंडिया के ओरिजिन से वर्ड बना बना के इंग्लिश में उसका नाम रखने लगे या इंग्लिश में नाम वर्ड यूज़ करने लगे। तो वही था कि इंडिया से इतनी अच्छी क्वालिटी की, फाइन क्वालिटी की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ मिल रही थी। ठीक है, फाइन क्वालिटी की कॉटन मिल रही थी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा उस टाइम नाम कमा रही थी, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग थे वो लोग भी इंडिया के ओरिजिन से नाम जो है इंग्लिश वर्ड में रखने लगे। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड्स टेल अस हिस्टोरीज, हिस्टोरीज यहाँ पर है मुस्लिन, मुस्लिन लिन एल आई एन, मुस्लिन इज अ टर्म यूज फॉर फाइनली वूवेन टेक्सटाइल। ये कह रहे हैं जो मुस्लिन वर्ड यूज़ होता था वो बहुत अच्छी बुनी हुई टेक्सटाइल्स के लिए यूज़ होता था, फाइनली वूवेन टेक्सटाइल्स के लिए ये वर्ड यूज़ करते थे मुस्लिन। इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ प्लेस कॉल्ड मोसुल इन मॉडर्न डे इराक। ये कह रहे हैं ये जो नाम पड़ा मुस्लिन ये मोसुल वर्ड से पड़ा जो कि आज हम इराक में जानते हैं, इन मॉडर्न डे इराक, जिसे हम मॉडर्न डे में क्या कहते हैं इराक कहते हैं। तो ये एक जगह थी मोसुल जिसके नाम से मुस्लिन इसका नाम पड़ा और ये टेक्सटाइल वुवन टेक्सटाइल का नाम है मुस्लिन। ठीक है, दिस वॉज द प्लेस वेयर यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट बिकेम अवेयर अबाउट इंडियन टेक्सटाइल्स। और ये कह रहे हैं ये वो जगह है मुस्लिन, ये वो जगह है इराक जहाँ पर इन जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यहाँ पर यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो पहली बार अवेयर हुए थे इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में, मतलब पहली बार ही इन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में जाना था। कैरीड एब्रॉड बाई अरब मर्चेंट्स, और ये कैसे जाना था, जो अरब्स के मर्चेंट्स थे वो लेकर गए थे यहाँ पर, तो उनके ज़रिए जो मुस्लिम्स में यानी इराक में रहने वाले लोग थे उन लोगों को भी इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में खबर हुई, पता चला। उसके बाद आते हैं हम कैलिको, कैलिको क्या होता है, अब तो ये क्या है कैलिको, कैलिको वॉज अ जनरल टर्म, कैलिको वॉज अ जनरल टर्म यूज फॉर कॉटन टेक्सटाइल। कैलिको जो है एक जनरल टर्म है जो कि हमारा कॉटन टेक्सटाइल के लिए वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, कैलिको इज़ ड्राइव फ्रॉम कैलीकट, और जो कैलिको है वो कैलीकट वर्ड से ड्राइव हुआ है, किससे, कैलीकट। पोर्टुगुज फर्स्ट बिकेम अवेयर अबाउट इंडियन टेक्सटाइल व्हेन दे केम टू कैलीकट। और ये कह रहे हैं जो पोर्टुगुज थे, जो पोर्टुगुज से आए थे, पोर्टुगुज जो थे जो वो लोग सबसे पहले इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में अवेयर हुए थे, उन लोगों ने इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में सबसे पहले जाना था जब वो कैलीकट में आए थे, कैलीकट जगह है। ठीक है, इन सर्च ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पाइसेस, कब, जब वो मसालों की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सर्च में आए थे कि हमें मसालों का बिज़नेस करने के लिए, मतलब ख़रीदने के लिए। ठीक है, इंडिया के मसाले बहुत ज़्यादा मशहूर थे और अब भी मशहूर हैं, तो इस वजह से जो है वो लोग कैलीकट आए थे सबसे पहले, तब उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में जाना था, इसीलिए वो टर्म यूज़ होता है कैलिको, कॉटन टेक्सटाइल के लिए।
उसके बाद जमदानी क्या होता है, ये जमदानी, जमदानी इज़ फाइन मुस्लिन विद डेकोरेटिव मोटिफ वोवेन ऑन देम। ये कह रहे हैं जमदानी एक जो है फाइन मुस्लिन, मतलब मुस्लिन क्या, एक वुवन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल ठीक है, एक वुवन टेक्सटाइल यानी फाइन मुस्लिन यानी फाइनली वुवन टेक्सटाइल्स के लिए वर्ड यूज़ होता है ये, जो कि डेकोरेटिव मोटिव्स उसके ऊपर बुने होते हैं, मतलब उसके सजाया हुआ होता है ठीक है। ये जमदानी वीव है, ये बुना हुआ एक कपड़ा दिख रहा है यहाँ पर, देखिए अलग अलग से पैटर्न भी बने हुए हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं। गोल्ड थ्रेड वॉज ऑफन यूज विथ कॉटन, और इसके साथ साथ गोल्ड थ्रेड यूज़ होते थे कॉटन के साथ इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए। उसके बाद वाइल्ड मेकिंग जमदानी डेक, हाँ ये कह रहे हैं, और उस ज़माने में जब गोल्ड जमदानी बनाया करते थे तो वो लोग गोल्ड थ्रेड यूज़ करते थे, मतलब उसे अच्छा दिखाने के लिए गोल्ड के थ्रेड यूज़ करते थे। अब वो असली गोल्ड होता था या खाली कलर होता था इसके बारे में हम इसमें बताया नहीं है। फिर यहाँ है वाइल्ड मेकिंग जमदानी, सॉरी यहाँ पर डेक्कन इन बंगाल, डेक्का इन बंगाल, बंगाल में डेक्का जगह होगी, एंड लखनऊ इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, और यूनाइटेड प्रोविंसेस में लखनऊ वर फेमस फॉर जमदानी। तो ये जमदानी काम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, कौन कौन सी जगह, बंगाल में डेक्का और लखनऊ कहाँ पर, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, ये दोनों जगह जो है जमदानी काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और जमदानी जो काम है ये एक मुस्लिन वर्क है, मतलब मुस्लिन यानी फाइनली वुमेन टेक्सटाइल्स का काम है ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह का कपड़ा दिया हुआ, लिखा हुआ जमदानी वीव्स। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 ओपन कर लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब चिंट्स एंड बंदना, क्या चिंट्स एंड बंदना, अब ये बंदना क्या है और चिंट्स क्या है और ये क्यों वर्ड यूज़ हो रहा है, चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं इसे भी। वन ऑफ द पीसेस ऑर्डर्ड इन बल्क वॉज प्रिंटेड कॉटन क्लोथ चिंस एंड बंदना। ये कह रहे हैं उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा पीसेस ऑर्डर हो रहे थे बल्क में वो क्या थे, वॉज प्रिंटेड कॉटन, वो प्रिंटेड कॉटन क्लोथ थे जिसे हम चिंस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स चिंस थे और बंदना थे। अब ये बंदना और कॉटन क्लोथ चिंस क्या हैं, ये उस ज़माने में सबसे ज़्यादा ऑर्डर करे जा रहे थे, लोग बाग बल्क में उसे ही ख़रीद रहे थे। मतलब द टर्म चिंट्स ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंट, और ये जो टर्म है चिंट्स ये हिंदी वर्ड से इसकी ओरिजिन हुई है, इसका नाम चिंट्स जो ये वर्ड पड़ा है ये हिंदी वर्ड से पड़ा है जिसको कहते हैं हम चिंट, तो चिंट जो वर्ड होता है उससे बना है ये चिंट्स, विच इज़ अ क्लोथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन। और चिंट क्या होता है, ये एक कपड़ा होता है जिसमें छोटे छोटे फ्लावर और कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन बने होते हैं, विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन, मतलब रंग बिरंगे और छोटे छोटे उसमें फ्लावर के डिज़ाइन बने होते हैं जिसे हम कहते हैं चिंट। तो हिंदी में ये चिंट जो वर्ड है इसी से बनाकर इसका नाम पड़ गया चिंट्स क्लोथ ठीक है। उसके बाद आफ्टर 1680 यानी 1680 के बाद प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंग्लैंड एंड यूरोप ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट फ्लोरल डिज़ाइंस। उसके बाद गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। अब जब 1680 के बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल थी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई इंग्लैंड में और यूरोप में, क्यों, क्योंकि ये एक तो इतनी खूबसूरत थी और इसका जो ये फूल वाला जो डेलिकेट फ्लावर डिज़ाइंस था ये बहुत प्यारा था, इसके ऊपर जो फूल बने हुए रहते थे, और उसके साथ साथ इसकी खूबसूरती, उसके फ्लोरल डिज़ाइन और उसके साथ साथ उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ साथ उसका लो प्राइस होना, मतलब सस्ता होना, इसकी वजह से जो यूरोप और इंग्लैंड के लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, वो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और उनमें यहाँ इंग्लैंड में और यूरोप में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, क्यों, क्योंकि बहुत सस्ती भी थी। वेल्दी पीपल इंक्लूडिंग द क्वीन एंड अदर रॉयल स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक इन इंग्लैंड। और उस ज़माने में जो अमीर लोग हुआ करते थे, जैसे कि वेल्दी पीपल जो होते थे उस ज़माने में, जैसे कि जो क्वीन होती हैं या रॉयल फैमिली से जो होते हैं ठीक है, उन लोगों ने ये क्लोथ्स पहनना इंडियन फैब्रिक के इंग्लैंड में पहनना शुरू कर दिए ठीक है। उस ज़माने में इंडियन फैब्रिक से बने हुए क्लोथ्स पहनना उन लोगों ने शुरू कर दिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, तो वहाँ पर वो रॉयल क्लोथ समझते थे, उसे अच्छे कपड़े मानते थे और होते भी थे, तो वो लोग उसे पहना करते थे। द वर्ड बंदना मीन्स अ ब्राइट कलर एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। अब ये कह रहे हैं ये बंदना का मतलब क्या है, तो देखिए यहां पर दिया हुआ है द बंदना, ये जो वर्ड बंदना है इसका मीनिंग है ब्राइट कलर एंड, यहाँ पर बच्चों एंड लिखा है, आपको सही से क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा तो आप अपनी बुक में देखिए तो ज्यादा बेहतर है ठीक है। एक मिनट आपको हम दिखा देते हैं, बंदना
देखिए यहाँ पर लिखा है बंदना एंड, ये हमारा एंड लिखा है ठीक है, बंदना एंड उसके बाद प्रिंटेड स्कार्फ। बंदना क्या है, बंदना जो है एक कलरफुल ब्राइट कलर का होता है, बंदना वर्ड जो है इसका मतलब है ब्राइट कलर, चमकदार कलर ठीक है, चमकीला कलर, और प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड, और एक प्रिंटेड स्कार्फ होता है जो कि गले और हेड के लिए यानी सर के लिए इस्तेमाल किया जाता है बांधने के लिए, उसे हम कहते हैं बंधना ठीक है स्टूडेंट्स। द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिंदी वर्ड बंधन, और ये जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ बंधना जो वर्ड बोला गया ये हिंदी वर्ड बंधन से बोला गया, बंधन जिसका मतलब होता है टाइंग यानी बांधा हुआ या बांधना ठीक है, टाई करना। एंड वॉज प्रोड्यूस थ्रू द टेक्निक ऑफ टाइंग एंड डाइंग, और ये भी बनाया भी ऐसे ही जाता था टाइंग और डाइंग करके, मतलब उसे लटका लटका के बांध बांध के और डाई कर करके इसी प्रोसेस से बनाया जाता था, इसके नाम बंधन से बन के क्या बन गया, बंधना। लाइकवाइज मैरिड अदर लाइकवाइज मैरी मैरिड अदर क्लोज बिकम वॉज बिकम फेमस बाय देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, और ये कह रहे हैं इसी तरह से बाकी जो अदर क्लोथेस थे वो भी अपनी ओरिजिन की प्लेस से बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। इट इंक्लूडेड क्लोथ्स ऑफ कासिम बाज़ार, और इसमें कौन कौन से कपड़े आ रहे थे, कासिम बाज़ार के कपड़े, पटना के, कलकत्ता के, उड़ीसा के और चारपुर के, ये जगहें नाम बताई हैं जहाँ पर ये बताया कि बंदना और चिन्स क्लोथ्स कॉटन के साथ साथ यहाँ के भी कपड़े बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल वर द फेमस एट दैट टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस ज़माने में जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन टेक्सटाइल्स की चर्चा हो रही थी, इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में हर कोई जानता था, हर कोई उसे अच्छा समझता था और अच्छी थी भी उस टाइम। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, अब इंडियन टेक्सटाइल की बात करेंगे हम यूरोपियन मार्केट में। यूरोपियन वूल एंड सिल्क मेकर्स बिकेम एंजियस, क्या एंजियस टू ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, अब जो यूरोपियन वूल और सिल्क मेकर थे मतलब जो यूरोप के वूल बनाने वाले और सिल्क बनाने वाले वो बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगे, क्यों, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की जो पॉपुलरिटी थी वो बढ़ रही थी, इंडियन की जो टेक्सटाइल्स थी उस इंडिया के जो वूल्स कॉटन क्लोथ्स ये कपड़ों की टेक्सटाइल जो थी इंडिया की उसकी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से जो यूरोपियन के वूल और सिल्क बनाने वाले थे वो लोग बेचैन होने लगे। दे बिगेन प्रोटेस्टिंग इन इंग्लैंड अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, और उन लोगों ने यहाँ तक के वहाँ पर क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ठीक है, मतलब खिलाफ होना शुरू हो गए उसके, और नारेबाजी जिसे हम कहते हैं ना प्रोटेस्ट करना ठीक है, तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया उन लोगों ने इंग्लैंड में जाके, मतलब जो इंग्लैंड के जो वूल मेकर थे सिल्क मेकर थे उन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसे ही इंडिया से सामान आता रहा, इंडिया की तरह इंडिया का सामान ऐसे ये लोग यूज़ करते रहे तो हम लोगों का क्या होगा, तो उन लोगों ने क्या किया, धरना देना शुरू कर दिया, धरना देने लगे ठीक है, प्रोटेस्ट करने लगे किसके खिलाफ, अगेंस्ट द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडिया इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, किस खिलाफ करने लगे, क्या करने लगे वो लोग, कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा, हम लोग मतलब ये लोग सोचने लगे अगर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का इम्पोर्ट ऐसे ही होता रहा, इंडिया से ये लोग कॉटन टेक्सटाइल लाते रहे, वहीं से सामान कपड़े लाते रहे, कॉटन लाते रहे, तो हम लोगों का क्या होगा, तो इन लोगों ने उस पर ये रोक लगाना शुरू कर दी कि वहाँ से आप लोग कॉटन टेक्सटाइल को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे, तो ये इनकी क्या थी, मांगे थी इनकी। इन 1720 द यूज़ ऑफ चिन्स वॉज बैंड इन इंग्लैंड बाय द कैलिको एक्ट, और कैलिको एक्ट के मुताबिक जो चिन्स जो कपड़ा था, क्या जो क्लोथ चिन्स था, ये कपड़ा जो है किससे, मैंने बताया था ये क्या है, कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन से बना होता है इसलिए चिंट कहते हैं इसे, चिंट से ही चिंट बना, तो ये जो है बैंड कर दिया गया इंग्लैंड में कैलिको एक्ट के मुताबिक। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट एबल टू कॉप विद इंडियन टेक्सटाइल्स, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन की वो इस लायक नहीं थी कि वो इंडियन टेक्सटाइल्स के साथ कॉपरेट कर पाएँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इंग्लिश ट्रेडर्स दस प्रिवेंटेड इट्स एंट्री इन ब्रिटेन, तो अब वो जो है उसका मुकाबला तो कर नहीं सकती थी ब्रिटेन और इंग्लैंड की जो सारी क्या थी, यहाँ पर लिखा है ना कि द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट एबल टू कॉप विद इंडियन टेक्सटाइल्स, इंग्लिश ट्रेडर दस प्रिवेंटेड इट्स एंट्री इन ब्रिटेन, तो इसीलिए जो है इंग्लिश ट्रेडर ने है ये प्रिवेंट कर दिया कि उनकी एंट्री ब्रिटेन में ना हो पाए। दिस इंश्योर्ड अ सेफ मार्केट फॉर देयर टेक्सटाइल विदाउट फेयरिंग ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडियन टेक्सटाइल्स, उससे है ना क्या इंश्योर कर रहे थे ये लोग कि अपनी मार्केट सेफ हो टेक्सटाइल के लिए,
बिना किसी डर से या बिना किसी कंपटीशन से इंडियन टेक्सटाइल के। अगर इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन होता तो ये पक्का हार जाते, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल्स की जो क्वालिटी थी वो अच्छी थी, तो इन लोगों ने उसे बैन कर दिया, उस पर रोक लगा दी। द कैलिको प्रिंटेड प्रिंटिंग इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट फ्लोरिश, और इनकी जो पहली कैलिको प्रिंटेड इंडस्ट्री थी ये सबसे पहले फ्लोरिश हुई। उसके बाद इनिशिएटेड डिज़ाइंस ऑफ इंडिया वर नाउ प्रिंटेड इन इंग्लिश, और वो जो डिज़ाइन इंडिया के अंदर शुरू हुए थे, वो डिज़ाइन जो इंडिया वाले बना रहे थे, अब वही डिज़ाइन ये लोग कहाँ प्रिंट करने लगे, इंग्लिश में, ऑन वाइट मुस्लिन और अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ। किस पे? सफ़ेद कपड़े पे, सफ़ेद मुस्लिन क्लोथ। मुस्लिन क्लोथ मैंने भी बताया था क्या कौन सा कपड़ा होता है, उस पे ये लोग अब इंडियन के पैटर्न, इंडिया के डिज़ाइन, मतलब जो इन्होंने पहले इंडिया से ख़रीदे थे वही डिज़ाइंस ये लोग अब वहाँ पर इंग्लिश में बनाने लगे, मतलब इंग्लैंड यूरोप में बाहर बनाने लगे अपनी कंट्री में। किस पे? वाइट मुस्लिन, सफ़ेद मुस्लिन कपड़ा होता था, या अनब्लीच इंडियन क्लोथ होते थे उसके ऊपर। ठीक है, कुछ इंडिया के क्लोथ जो पहले ले गए होंगे, अनब्लीच करे हुए, ब्लीच करे हुए नहीं होंगे, तो वो लोग उस पर बनाने लगे। उसके बाद क्या हुआ? द कॉम्पिटिशन विद इंडियन टेक्सटाइल लेड टू न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन ब्रिटेन, और अब ये जो कॉम्पिटिशन कर रहे थे इंडियन टेक्सटाइल के साथ साथ, तो इसमें कॉम्पिटिशन के चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इनोवेट कर ली ब्रिटेन के अंदर, एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो गई। फिर यहाँ पर है जॉन के, यहाँ पर लिखा है जॉन के इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी इन 1764। अब इन्होंने जॉन के जो थे यहाँ पर, कहाँ पर, ब्रिटेन के, इन्होंने क्या किया, एक स्पिनिंग जेनी इन्वेंट की, मतलब स्पिनिंग करने की एक मशीन इन्वेंट की 1764 में। इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल्स, इससे क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स होते थे उससे ज़्यादा अब प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनिंग कर पा रहे थे, जल्दी मशीन है अब तो तेज़ काम कर पाएंगे। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ स्टीम इंजन बाई रिचर्ड आर्क राइट रिवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग, और साथ साथ जो स्टीम इंजन रिचर्ड आर्क राइट ने बनाया उससे कॉटन टेक्सटाइल वीविंग में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आया, मतलब उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्लोथ वॉज नॉट, यहाँ पर क्या लिखा है, क्लोथ वॉज नॉट, यहाँ पर है नॉट, क्लोथ वॉज नॉट अवेलेबल चीपली, और उस ज़माने में कपड़े बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, चीपली मतलब सस्ते अवेलेबल नहीं थे। दिस डिड नॉट मीन एंड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, और इससे ये मतलब नहीं हुआ कि इससे इंडियन टेक्सटाइल का एंड हो जाएगा, एंड इट्स डोमिनेंस इन द वर्ल्ड ट्रेड इन द 18th सेंचुरी, और ना ही ये था कि उसका डोमिनेंस जो था वर्ल्ड ट्रेड के अंदर 18वीं सेंचुरी में वो कम हो जाएगा। मोस्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंक्लूडिंग द डच, द फ्रांच फ्रेंच, और उसके बाद यहाँ लिखा है द इंग्लिश मेड बिग प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड। बाद में फिर क्या होने लगा, अब सारी ट्रेडिंग कंट्रीज जो थी वो इंडिया के जो पैटर्न थे वो चुरा के, पहले इंडिया में खरीद खरीद के उसे देख देख के कॉपी करके, अब वही उसी तरह के टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करने लगी। उससे क्या हुआ, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे कि डच है, फ्रेंच है, और यहाँ पर इंग्लिश है, ये काफ़ी मुनाफा कमाने लगे, काफ़ी फ़ायदा कमाने लगे, काफ़ी प्रॉफिट होने लगा इन लोगों को। विद पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल द कंपनी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर टू परचेज इंडियन गुड्स, और ये क्या होने लगा, अब बंगाल पे भी इन लोगों का हुकूमत होने लगी। विद पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल के पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के बाद जो कंपनीज थी उन्हें नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट गोल्ड, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने लगी कि गोल्ड की, सिल्वर की, इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए गोल्ड और सिल्वर की इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी उन लोगों को। इंस्टीड दे गैदर रिवेन्यूज फ्रॉम इंडियन पीजेंट एंड ज़मींदार इन इंडिया, और उसके बजाय जैसे कि अब जो मैंने बताया था कि ये कंपनीज जो है इंडिया के अंदर आ गई, इंडिया के अंदर अब जब उन्होंने बंगाल को हासिल कर लिया, बंगाल को हड़प लिया था, बंगाल पे काबू कर लिया था, तो उसके बाद ये लोग अपने कंट्रीज से, अपने घरों से, अपने जगह से ये कॉटन टेक्सटाइल या किसी भी टेक्सटाइल के लिए पैसा नहीं मंगा रहे थे, सिल्वर नहीं मंगा रहे थे, ना गोल्ड मंगा रहे थे, क्या कर रहे थे, अब ये लोग खर्चा जो कर रहे थे अपनी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, उसके लिए ये लोग इंडिया के पीजेंट से, इंडिया के ज़मींदारों से टैक्स लेने लगे, एंड यूज़ इट टू बाय इंडियन टेक्सटाइल, और इसी पैसे को फिर यूज़ करते थे इंडियन की टेक्सटाइल्स को ख़रीदने के लिए। ठीक है, इंडिया की टेक्सटाइल्स को ख़रीदने के लिए इंडिया वालों से ही टैक्स ले रहे हैं, और उन्हें से ही फिर उन्हीं के पैसे से ही उन्हीं के सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद हु वर द वीवर्स, ये वीवर्स कौन हुआ करते थे, वीवर्स कौन होते थे, पीपल हु स्पेशलाइज्ड इन वीविंग क्लोथ आर कॉल्ड वीवर्स।
वो लोग जो कि क्लोथ्स को वीविंग करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीवर्स कहते हैं। पीपल हु स्पेशलाइज इन वीविंग क्लोथ्स इज कॉल्ड वीवर। वीवर्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि क्लोथ्स को वीविंग करने में बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, मतलब काफ़ी उन्हें, मतलब ये समझ लिए वो वीविंग करने के काफ़ी अच्छे लायक होते हैं, मतलब उन लोगों को वीविंग करनी आती तो वो हम वीवर्स कह देते हैं उन्हें। उसके बाद ड्यू टू, मतलब वो परफेक्ट होते हैं, ठीक है। ड्यू टू डीप इंग्रेन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, वीवर्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलरली कम्युनिटी विच वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये कह रहे हैं अब इंडिया के अंदर जो है इन डीप इंग्रेंड कास्ट सिस्टम चल रहा था, एक बहुत बेकार पुराना फटा पुराना जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल घिसा पिटा कास्ट सिस्टम चल रहा था कि अगर वीविंग करने वाला है तो वो यही करेगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ना, नीची जात वाले नीचे नीचे काम करते थे तो उन्हें नीची जात का माना जाता था। इस तरह से कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर वीवर जो है बिलोंग करते थे पर्टिकुलर कम्युनिटी से, जो कि अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर बुलाए जाते थे। द स्किल सेट इन वीविंग वॉज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये जो स्किल्स थे, ये जो वीविंग करने का जो तौर तरीके थे, जो स्किल थी, ये जो काबिलियत थी, जो खूबी थी, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो था नहीं अब कोई वीवर है तो वो जाके दूसरा काम कर ले। क्यों? क्योंकि उसी के खानदान का ही वीवर बनेगा। ये सिस्टम था ना उस ज़माने में कि तुम जो है अगर बनिया हो तो तुम्हारा बेटा भी बनिया ही बनेगा, वो जो है जाके ज़मींदार नहीं बन सकता, या ऐसा कुछ। मतलब जो अलग अलग कास्ट थी, अलग अलग सिस्टम था, उसी के हिसाब से उनके काम भी बटे हुए थे, तो उनके बच्चे भी वही फिर काम करते थे। तो ये स्किल्स जो है पूरी वीविंग की वो जनरेशन से जनरेशन पास हो रही थी। द तांती ऑफ बंगाल, अब जैसे ये तांती हैं बंगाल के, द जुलाहा एंड मोमिन ऑफ नॉर्थ इंडिया, और जैसे इंडिया के मोमिन और जुलाहा, ये नाम बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेल, केकोलर एंड देवांग ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वीवर्स कम्युनिटी इन इंडिया। अब यही जो कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, ये लोग वीवर्स कम्युनिटी थे इंडिया के, जो लोग जिनका नाम वीविंग करना था तो इनका नाम बाद में पड़ गया तांती जो बंगाल में, जुलाहा और मोमिन कहा जाता है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और सेल और कैकुलर और देवांग कहा जाता है साउथ इंडिया में। अब जैसे यहाँ पर जो है कोई बाल काटने वाला है तो उसे हम नाई कह देते हैं, ठीक है, हम क्या कह देते हैं, नाई कह देते हैं। इसी तरह से इनके नाम पड़ गए थे। उसके बाद स्पिनिंग वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला क्या होता है वीविंग करने में, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है स्पिनिंग करना, ठीक है, धागों को स्पिन करना, धागे बनाना, स्पिन करना। उसके बाद इट वॉज़ यूजली डन बाई वुमेन, और ये नॉर्मली जो है ज़्यादातर किसके ज़रिए होता था, औरतें करती थी स्पिनिंग का काम। स्पिनिंग का काम कौन करती थी? औरतें करती थी, ठीक है। चरखा एंड टकली वर द मेन स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो चरखा होता था और ये जो टकली होती थी, ये टकली इसे यूज़ करके स्पिनिंग करते थे, इसके ही मदद से स्पिनिंग होती थी। उसके बाद स्पिनिंग वॉज डन ऑन द चरखा, और स्पिनिंग जो है वो चरखा पे ही होती थी। एंड द थ्रेड वॉज रोल ऑन द टकली, और जो थ्रेड था, जो धागा रोल किया जाता था, वो इस टकली पे रोल किया जाता था, लपेटा जाता था, ठीक है। जो स्पिनिंग करते थे तो चरखे पे स्पिनिंग करते थे, और उसके बाद जो धागे लपेटे जाते थे वो किस पे लपेटे जाते थे? इस टकली पे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहीं लिखा है चरखा एंड टकली वर द मेन स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, स्पिनिंग वॉज डन ऑन चरखा एंड थ्रेड वॉज रोल ऑन द टकली। उसके बाद वीविंग ऑफ यार्न इनटू क्लोथ वॉज यूजली डन बाई मैन। अब चरखे को चला के उन्होंने स्पिनिंग करी और उस पर टकली पे फिर उसे लपेट दिया धागे को। उसके बाद अब वीविंग का काम आता था, तो वीविंग का काम ज़्यादातर आदमी करते थे, मर्द जो होते थे वो घर के वो लोग करते थे वीविंग का काम, ये वाला काम, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है रंगरेज वॉज द स्पेशलिस्ट फॉर डाइंग क्लोथ्स। ये कह रहे रंगरेज जो थे वो स्पेशलिस्ट थे क्लोथ्स को डाई करने के लिए। और छिप्पीगर, क्या छिप्पीगर, ये क्या है, वैसे तो छिपीगर लिखा है, छिपीगर वॉज द स्पेशलाइज फॉर मेकिंग ब्लॉक प्रिंट्स। और जो छिपीगर था वो स्पेशलाइज था, स्पेशलिस्ट था मेकिंग ब्लॉक प्रिंट्स, ब्लॉक प्रिंट्स बनाने में ये स्पेशलाइज था, परफेक्ट था। उसके बाद मिलियंस ऑफ इंडियंस अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ क्लोथ। और ये कह रहे हैं मिलियंस इंडियंस, ऐसे मिलियंस ऑफ इंडियंस थे जिन्होंने अपनी जिंदगियाँ चलाईं, अपने लाइवलीहुड्स को कमाया किसके ज़रिए, स्पिनिंग और खाली क्लोथ्स को वीविंग करके, स्पिनिंग और वीविंग के जरिए ही उन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी गुजारी और चलाई। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, अब इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ, ठीक है, मतलब इंडियन टेक्सटाइल का बर्बादी कैसे शुरू हुई, इंडियन टेक्सटाइल कैसे ख़त्म होने लगी हल्के हल्के, उसका इस्तेमाल कैसे कम होने लगा। ड्यूरिंग 17 एंड 18 सेंचुरीज इंडियन टेक्सटाइल वर द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड ऑफ फॉर यूरोपियन ट्रेड। ये कह रहे 17वीं और 18वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंडियन टेक्सटाइल उस जमाने के मेन आइटम्स थे
इंडियन टेक्सटाइल्स के, जो कि ट्रेड हो रहे थे यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए, मतलब यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो वो लोग इंडियन टेक्सटाइल्स को 17वीं और 18वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इसके मेन आइटम्स वो लोग ट्रेड करने के लिए आते थे, मतलब यहाँ से ख़रीदने के लिए आते थे। विद राइज ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, इंडिया वॉज अफेक्टेड इन मैनी वेज। अब क्या होने लगा, जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ ब्रिटेन के अंदर बढ़ने लगी, ब्रिटेन के अंदर कॉटन इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी, उसके अंदर राइजिंग होने लगा, मतलब राइज होने लगी कॉटन कॉटन इंडस्ट्रीज़, उसके साथ क्या होने लगा, इंडिया वॉज अफेक्टेड इन मैनी वेज। तो जो इंडिया था वो काफ़ी वेज में काफ़ी तरीक़ों से अफेक्ट होने लगा। नाउ इंडियन टेक्सटाइल वर टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन मार्केट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अब पहले क्या हो रहा था, खाली इंडिया की ही टेक्सटाइल्स जो है कहाँ जा रही थी, अमेरिका और यूरोप के अंदर मार्केट में जा रही थी, बिक रही थी। तो खाली इंडिया की जब टेक्सटाइल होगी तो वो बिकेगी, जब अकेला आदमी होगा भाई, अकेला अगर कोई रेस में दौड़ रहा है तो वो तो जीते गई। अब क्या होने लगा, ब्रिटेन की कंपनियों ने इंडिया की टेक्सटाइल्स की तरह अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज़ खोल ली और कॉटन बनाने लगे और टेक्सटाइल्स बनाने लगे, कपड़े बनाने लगे। उससे क्या हुआ, अब ब्रिटिश टेक्सटाइल्स मार्केट में यूरोप के और अमेरिका की, अब इंडिया को कंपटीशन देने के लिए ब्रिटेन की टेक्सटाइल्स आगे बढ़ गई थी, मतलब ब्रिटेन की टेक्सटाइल्स भी अब वहाँ पर अपने सामान बेच रही थी। फर्दर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड बिकेम इम्पॉसिबल एज अ रिजल्ट ऑफ हाई ड्यूटीज फोर्स ऑन देम। फिर बाद में क्या होने लगा, जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी वो इंग्लैंड में, उसका एक्सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा। क्यों, बिकॉज बिकम इम्पॉसिबल एज अ रिजल्ट ऑफ हाई ड्यूटीज़ फोर्स ऑन देम, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ उनके ऊपर थोप दी जाती थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उस पर थोप दी जाती थी, जिसकी वजह से अब एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उन लोगों के लिए। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द इंग्लिश वर एबल टू रूट आउट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम लोकल मार्केट ऑफ अफ्रीका। ये कह रहे हैं, जब हम 19वीं सेंचुरी की बात करें तो जो इंग्लिश कंट्रीज़ थी वो लोग इस लायक थी, जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल थी उसे रूट आउट करके बाहर ले जा रहे थे, वो कहाँ से, फ्रॉम लोकल मार्केट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के लोकल मार्केट से। ड्यू टू इट द वीवर्स सफर्ड बैडली। अब इससे क्या होने लगा, जो वीवर्स थे, जो ये कपड़े बुनने वाले थे, कपड़े सिलने वाले थे, उन्हें बहुत ज़्यादा असर होने लगा, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ा। अ ह्यूज, यहाँ पर है फिर, अ ह्यूज सेक्टर ऑफ वीवर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। और जो सेक्टर्स थे वीवर्स के, काफ़ी ह्यूज सेक्टर्स थे, जो पूरा ग्रुप था वीवर्स थे बहुत सारे, उन्हें वो अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब उनकी जॉब छूट गई, उनकी नौकरियाँ छूट गई। उसके बाद द वॉज टू बी हिट वर द बंगाल वीवर्स, इंडियन गुड्स वर नो लॉन्गर बोर्ड बाई अमेरिका एंड यूरोप बायर्स। बाद में क्या होने लगा, द वर्स्ट टू बी हिट वर द बंगाल वीवर, और सबसे बुरा जो नुकसान हुआ था, सबसे बुरी तरीके से जो परेशानी में आए थे वो हुए थे बंगाल के वीवर। कौन, बंगाल के वीवर सबसे ज़्यादा परेशानी में यही आए थे। उसके बाद जो इंडियन गुड्स थे वो ज़्यादातर अब नहीं खरीदे जा रहे थे अमेरिका में, और यूरोप्स के बायर्स जो थे वो लोग अब इंडिया के जो वीवर्स थे उनसे अब सामान नहीं खरीद रहे थे, एंड दे आर एजेंट, और उनके जो एजेंट थे वो लोग भी इनसे सामान नहीं खरीद रहे थे, मतलब इंडिया की टेक्सटाइल्स अब कम होती जा रही थी, इंडिया के टेक्सटाइल्स का जो पहले मार्केट में वैल्यू थी वो कम हो गई थी। इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, अब इस एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में दे रॉट लेटर टू गवर्नमेंट फॉर हेल्प। तो इन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को हेल्प के लिए, क्या, मदद के लिए। हाउएवर बाय 1830, मगर अगर 1830 की बात करें, ब्रिटिश कॉटन क्लोथ केम इन बल्क एंड फ्लडेड इंडियन मार्केट। क्या हुआ, 1830 में जो ब्रिटिश कॉटन क्लोथ थी वो बल्क में, ये कह सकते हैं गुच्छे में, मतलब भर के इंडिया की मार्केट में आ गई। कहाँ से, इंडिया में जो कॉटन बन रही थी उसे तो छोड़ो, वो लोग बाहर से, अब पहले इंडिया से लेके जा रहे थे, अब वो बाहर से ला रहे हैं इंडिया के अंदर। इससे क्या होने लगा, जो ब्रिटिश कॉटन क्लोथ थी वो बल्क में, मतलब बिल्कुल ये कहते हैं ना गुच्छे में, मतलब एक साथ भर के लिया है वो, बिल्कुल ढेर लगा दिया, और पूरी इंडिया की मार्केट्स भर गई। दिस एडवर्सली अफेक्टेड स्पेशलाइज वीवर्स स्पिनर्स एंड मोस्ट वुमेन बिकम अनएम्प्लॉयड। और इससे बहुत बुरी तरह से जो स्पेशलाइज वीवर थे, स्पिनर्स थे, और काफ़ी जो औरतें थीं जो काम कर रही थीं टेक्सटाइल्स में, उसमें उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ और उनकी जॉब छूट गई, अनएम्प्लॉयड हो गई, क्योंकि अब वो बाहर से इंडिया के अंदर सामान ला ला के बेच रहे हैं, तो इंडिया वाले क्या अपना बेचेंगे, अपने इंडिया के अंदर वो खुद अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं, तब तो वो भी बिल्कुल क्या होंगे, भूखे रहेंगे बिल्कुल, जब कोई काम ही नहीं बचा है उनका, सारी इंडस्ट्रीज उनकी बंद होती जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद मैनी न्यू वीविंग सेंटर्स इमर्ज इन द लेट 19th सेंचुरी, और 19वीं सेंचुरी के आखिर तक काफ़ी नई वीविंग
सेंटर्स बना दिए गए, काफ़ी नई वीविंग सेंटर्स इमर्ज कर दिए गए 19वीं सेंचुरी के आखिर में। शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुराई इन साउथ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ सच वीविंग सेंटर्स। अब ये कुछ सेंटर्स के नाम बता रहे हैं जो कि उस ज़माने में बनाए गए थे, जैसे कि शोलापुर वेस्टर्न इंडिया में और मदुराई जैसे कि साउथ सदर्न इंडिया में। ठीक है, महात्मा गांधीज मूवमेंट ऑल्सो हेल्प इन सस्टेनिंग द ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये कह रहे हैं महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाया था जिससे बहुत ज़्यादा मदद हुई, किसमें, जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया की, उसे सस्टेन करने में, उसे बचाए रहने के लिए। महात्मा गांधी प्रोमोटेड द यूज़ ऑफ खादी एंड अर्क प्यूपल टू बायकॉट क्लोथ्स मेड इन इंग्लिश मिल। महात्मा गांधी ने क्या किया, लोगों को प्रमोट किया कि अब अपनी जो है ट्रेडिशनल जो क्लोथ है, जो खादी है, जो मटेरियल ट्रेडिशनल मटेरियल है, उसे यूज़ करेंगे हम, खादी के कपड़े बनाएंगे। और लोगों को कहा, अर्क किया, टू बॉयकॉट क्लोथ्स मेड इन इंग्लिश मिल्स। और उन लोगों को हर जो इंडियंस थे उन लोगों को बताया, उन्हें उकसाया कि हमें इंग्लिश मिल्स से बने हुए जो अंग्रेज़ जो अपने कपड़े ला रहे हैं, कॉटन बने क्लोथ बना रहे हैं, जो कपड़े बना रहे हैं, हमें उसे बॉयकॉट करना है, हमें उसे नहीं पहनना है, हमें उसे ना ही ख़रीदना है। ठीक है, उसकी मना करनी है, हमें उनसे कोई चीज़ उनके सामान नहीं ख़रीदने। महात्मा गांधी प्रमोटेड द यूज़ ऑफ हैंड स्पन खादी टू स्प्रेड पैट्रियोटिज़ इन इंडिया। क्या हुआ, महात्मा गांधी ने अब प्रमोट करना शुरू किया यूज़ ऑफ हैंड स्पन, हाथ से बनाने वाले स्पन, जो खादी के कपड़े बनाने वाले हाथ से बनाने वाले स्पन मशीन यहाँ पर दिया है। गांधी जी स्पन खादी, यहाँ पर खादी स्पन कर रहे हैं गांधी जी, उसकी तस्वीर भी दी है। तो इस तरह से लोगों को उन्होंने बताना शुरू किया कि इससे आप यूज़ करिए। ठीक है, इंडिया के अंदर इससे पैट्रियोटिज़ स्प्रेड करा, लोगों को समझाया कि हमें दूसरों जो इंग्लिश मैन हैं, जो लोग इंग्लिश कंपनीज़ हैं, वो लोग अपना सामान बना रहे हैं, हमें उन्हें ख़रीदना नहीं है, उसे बायकॉट करना है, और अब हम अपने खादी के मटेरियल बनाएंगे। उसके बाद वीवर्स एंड स्पिनर्स, जो वीवर्स और स्पिनर्स थे, हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड टर्न टू अल्टरनेट प्रोफेशन। अब जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ छोड़ रखी थी, अपनी ज़िंदगी भूल गए थे, मतलब जिनकी ज़िंदगी खो गई थी, ये समझ लीजिए जिनका काम काज छूट गया था, अब वो लोग अपने अपने अल्टरनेट प्रोफेशंस पे आ गए। ठीक है, वो लोग अपने एक अल्टरनेट प्रोफेशंस पे चले गए। अब ऐसा होने लगा कि कुछ वीवर्स थे, कुछ स्पिनर्स थे, उन लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, उन लोगों की ज़िंदगी जो है मुसीबत में आ रही है। तो उन लोगों ने काफ़ी अल्टरनेट प्रोफेशंस को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जैसे कि मैनी ऑफ देम बिकम एग्रीकल्चरल लेबर। काफ़ी तो उनमें से जो है अपना काम छोड़ छोड़ के, मतलब जो सदियों से वही काम करते आ रहे हैं, अब उन लोगों ने भूखे प्यासे ना रहने के लिए, अपने आप को बचाए रहने के लिए एग्रीकल्चरल लेबर बनने लगे। वाइल मैनी अदर माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क और वेंट टू अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका टू वर्क इन प्लांटेशंस। और काफ़ी तो जो शहरों में चले गए काम के लिए, कुछ अफ्रीका चले गए, कुछ साउथ अमेरिका चले गए, किसके लिए, प्लांटेशन वर्क के लिए। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर अब उनका जो अपना ट्रेडिशनल काम था वो हो ही नहीं रहा था, सारी ब्रिटेन कंपनीज थी, बाहर की इंग्लिश कंपनीज थी, वो आके यहाँ पर काम कर रही थी और इंडिया के अंदर अपना सामान बेचने लगी। अब मतलब इंडिया से ही ख़रीद रही है, इंडिया से ही इंडिया में ही बेच रही है, तो इंडिया वालों को क्या फ़ायदा हुआ, और ख़रीदना क्या, इंडिया से ही पहले क्या कर रही है, टैक्स ले रही है, पैसा उन्हीं के पैसे से ख़रीद रही है। फिर यहाँ है मैनी ट्रेडिशनल वीवर्स आल्सो फाउंड वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स। और काफ़ी जो ट्रेडिशनल वीवर्स थे उन लोगों को जो है जो कॉटन मिल्स थी, जैसे कि विच केम इन बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर, जो कि कई नई, मैंने बताया ना, जो कॉटन मिल्स थी जैसे कि बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में जो आई थी, काफ़ी ट्रेडिशनल वीवर्स जो है उसके अंदर काम करने लगे। द लाइन्स ऑफ वीवर्स से आर रैपिड ट्रांजिशन, और इससे जो लाइन्स थी वीवर्स की उससे रैपिड ट्रांजिशन हो रहा था। पेज नंबर 44 ओपन कर लिए यहाँ पर, चलिए पेज नंबर 44 देखिए यहाँ पर, न्यू कॉटन मिल्स इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर नई कॉटन मिल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, नई कॉटन मिल्स, न्यू कॉटन मिल्स मतलब नई कॉटन मिल्स खुली होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए वन बाय वन हम पढ़ेंगे इसे, थोड़ा हम बुक को पहले सेट कर लेते हैं। चलिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ये कह रहे हैं जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का, आपको याद होगा बंगाल जो है इंडिया से उसने पार्टीशन कर लिया था, अलग हो गया था, जब उसका पार्टीशन कर दिया गया था, टुकड़ा अलग कर दिया गया था, बंगाल को अलग मानने लगे, तो उसमें जब स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट ये सब चल रहे थे, लेट टू कमेंसमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। उससे क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज़ के कमेंसमेंट को उसने शुरू किया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, द ब्रिटिश गेव परमिशन टू स्टार्ट कॉटन एंड जूट मिल। जो ब्रिटिश थे, जो यहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, उन लोगों ने इजाज़त दे दी कि आप अपना कॉटन और जूट मिल स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टार्टेड इन 1854 एट बॉम्बे, और जो पहली कॉटन मिल स्टार्ट हुई थी वो 1854 में स्टार्ट हुई थी बॉम्बे के अंदर। क्या सबसे पहली जो कॉटन मिल जो इंडिया की स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? बॉम्बे में 1854। कब स्टार्ट हुई थी? 1854। यहाँ पर देखिए लिखा है, बॉम्बे बिकेम अ प्रोमिनेंट पोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। और फिर बॉम्बे जो है एक प्रोमिनेंट पोर्ट बन गया, ठीक है, किसके लिए? फॉर एक्सपोर्टिंग रॉ कॉटन्स, जो रॉ कॉटन्स कच्ची कॉटन, मतलब जो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उस पर हमने स्पिनिंग करना होता है, वीविंग करना होता है, फिर उसे साफ़ करना होता है, तो ऐसी कॉटन को जो है इंडिया से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया और इंडिया से चाइना में एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। सिंस इट वॉज लोकेटेड नियर वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन, सॉरी वेयर कॉटन वॉज ग्रोन, ये कह रहे हैं सिंस, जैसे कि हम बता रहे हैं ये कहाँ पर मौजूद थी, ये कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर मौजूद थी, जहाँ पर हमारी काफ़ी अमाउंट में ब्लैक सॉइल जो है आपको वेस्टर्न इंडिया में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जो है क्या है, वेयर कॉटन वॉज ग्रोन, जहाँ पर कॉटन उगाई जाती थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स ग्रो इन लार्जर नंबर इन दिस रीजन। और इस रीजन में अब क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है जो कॉटन होती है वो हमारी कहाँ पर उगती है? ब्लैक सॉइल में, और ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जा रही थी, तो यहाँ पर क्या होने लगा, अब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है बढ़ने लगी, इस रीजन में ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स खोलने लगे। इन अहमदाबाद द फर्स्ट मिल बिगेन इन 1861, और अहमदाबाद में 1861 में पहली मिल बनाई गई, शुरू हुई मतलब, ठीक है। लेबर यहाँ पर है, फिर 1 ईयर लेटर अ मिल केम अप इन 1862 इन कानपुर, और एक साल बाद ही 1862 में कानपुर में मिल आ गई एक। ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कॉटन मिल्स डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज, अब क्या हो रहा था, जैसे जैसे कॉटन मिल भी बढ़ रही थी तो जो लेबर थे उसकी भी डिमांड बढ़ रही थी, अब मजदूर भी तो ज़्यादा चाहिए, जब अगर एक मिल है तो उसमें मजदूर ज़्यादा मिल जाएंगे आपको आराम से, अब उसी के बराबर में आप तीन चार और मिल खोल दिए तो उसमें अब मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, उससे क्या हुआ, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड माइग्रेशन इन द सिटी, इससे क्या हुआ, वाइड स्प्रेड में काफ़ी अमाउंट में, स्प्रेड में काफ़ी तादाद में माइग्रेशन शुरू हो गया सिटी के अंदर। बॉम्बे हैड मोर देन 84 मिलियन मिल्स बाई 1900 ओन्ड बाई पारसी एंड गुजराती मर्चेंट्स, और बॉम्बे में जिसे हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं उस ज़माने में 84 से भी ज़्यादा मिल खोली गई थी। 1900 की बात करें हम, 1862 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1800 पूरे हो गया अब, 1900 तक 84 से भी ज़्यादा मिल जो है वो पारसी और गुजराती मर्चेंट्स जो थे उन लोगों की यहाँ पर खोली हुई थी, मतलब ये लोग इसके ओनर थे, इसके मालिक थे। 84 से भी ज़्यादा खाली मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर, यानी खाली मुंबई के अंदर 84 से ज़्यादा मिल खोल दी गई थी, इतना कंपटीशन चला था, मतलब वही है भेड़ चाल जिसे कहते हैं कि एक ने ये काम किया तो हम भी यही करेंगे, हम भी इसी से ही पैसा कमाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम इंडियन इंडस्ट्रीज़ फेस प्रॉब्लम, अब जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया फेस द नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम, ये कह रहे हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया की उसने काफ़ी नंबर में प्रॉब्लम्स फेस की, मतलब काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स फेस की। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द, यहाँ क्या लिखा है, विद द चीप, क्या लिखा है, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल क्लोथ इन ऑफ ब्रिटेन, अभी कह रहे हैं इंडिया की जो टेक्सटाइल्स कंपनीज थी वो लोग जो है अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर रही थी, ठीक है, अब अच्छी क्वालिटी मतलब वो लोग अब अच्छा सामान यूज़ कर रही हैं तो भाई महंगा तो पड़ेगा, महंगा पड़ेगा ना, जैसे खादी है तो खादी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो ये क्या हो रहा था, जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो सस्ती क्लोथ्स बना रही थी, सस्ते कपड़े बना रही थी, तो लोग बाग सस्ते कपड़े ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो उससे ब्रिटेन से कंपटीशन हो रहा था इनका और इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्यों, इतना आसान नहीं था कंपटीशन में उन्हें हराना। अब कोई आपने जैसे कोई चीज़ रख रखी है और बराबर वाले ने कोई चीज़ रख रखी है, दोनों आप दोनों कपड़े बेच रहे हैं, बराबर वाले सस्ती कपड़े बेच रहा है, आप महंगे बेच रहे हो, बहुत महंगे बेच रहे हो, तो बराबर वाले से ख़रीदेंगे ना सब, आपसे क्यों ख़रीदेंगे, तो इसी वजह से जो ये सस्ती क्वालिटी के जो क्लोथ्स ब्रिटेन में बन रहे थे और बेचे जा रहे थे इससे कंपटीशन बहुत मुश्किल पड़ रहा था इंडिया का, एक तो ये नुकसान हो रहा था इंडिया को, मतलब ये प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद फर्दर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिड नॉट प्रोमोट इंडीजिनस इंडस्ट्रीज़, और इसके बाद दूसरी परेशानी ये थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर वो प्रमोट नहीं कर रही थी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को वो प्रमोट नहीं कर रही थी। बट अ बिग बूम इन द ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मगर जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके साथ साथ इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई।
ठीक है, व्हेन टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन ड्रॉप, कब, जब ब्रिटेन से टेक्सटाइल का इम्पोर्ट करना बहुत बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया। इंडियन इंडस्ट्रीज वर आस्क्ड टू प्रोड्यूस क्लोथ्स फॉर मिलिट्री सप्लाइज। अब क्या होने लगा, जैसे कि पहले वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई फर्स्ट, तो उसमें ब्रिटेन से भी लड़ाई हो रही होगी, तो ब्रिटेन से अब टेक्सटाइल्स इम्पोर्ट्स नहीं हो रही थी, ब्रिटेन से कपड़े नहीं आ रहे थे, ब्रिटेन से मटेरियल नहीं आ रहा था, तो इंडिया से अब मांग करने लगे आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए कपड़ों की। अब मिलिट्री के लिए भाई वो लोग, लड़ाई हो रही है, जंग चल रही है, कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो उसके लिए अब इंडिया से मांग होने लगी, इंडिया से पूछ कहने लगे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर फ़ायदा हुआ था, मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वर्ल्ड वॉर में तो सबको ही नुकसान होता है। अब बात करते हैं हम वुड स्टील की, ये वुड स्टील क्या है, वुड स्टील है यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। वुड स्टील में क्या है, फ्रांसिस बुचानन कौन थे ये, हु टूड थ्रो मैसूर इन 1800। ये मैसूर से 1800 में इंडिया के अंदर टूर करके आए थे, मतलब घूमने के लिए आए थे, कौन, फ्रांसिस बुचानन, आ एयर ट्रिप टीपू सुल्तान, आ एयर आफ्टर टीपू सुल्तान्स डेथ, कब, एक साल बाद जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, ये मैसूर आए 1800 में, ठीक है, कब, जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी उसके बाद। हैज़ रिटन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ मेथड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड स्टील, तो इन्होंने क्या बताया, सॉरी क्या लिखा, इन्होंने जो है जब यहाँ पर घूमने आए तो इन्होंने लिखा उस ज़माने की कि वुड्स स्टील कैसे बनाई जाती थी, उसके इंटरेस्टिंग अकाउंट्स ऑफ मेथड को बताया, पूरा डिस्क्राइब किया कि कैसे वुड्स स्टील उस ज़माने में मैन्युफैक्चर की जाती थी और वुड्स स्टील कैसे बनाई जाती थी। तो उन्होंने बताया कि हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस वर प्रेजेंट इन मैसूर, कि मैसूर में जो है हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस जो है मौजूद थे। आयरन वॉज मिक्सड विथ चारकोल एंड पुट इन साइड स्मॉल क्ले पॉट्स, क्या होता था, जो आयरन होता था उसे चारकोल के साथ मिक्स कर दिया जाता था, घोल दिया जाता था, और छोटे छोटे स्मॉल क्ले के पॉट्स बने होते थे, उसके अंदर उसे डाल दिया जाता था, रख दिया जाता था। स्टील इंगॉट्स प्रोड्यूस इन दीज फर्नेस वर नॉट ओनली पॉपुलर इन इंडिया बट ऑल्सो इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, ये कह रहे हैं जो स्टील के जो सामान यहाँ पर बनाए जाते थे वो इस फर्नेस के अंदर, वो खाली पॉपुलर इंडिया के अंदर ही नहीं थे, वो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर मौजूद, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे। मैनी यूरोपियन साइंटिस्ट वर फैसिनेटेड बाय द वुड स्टील, और ये कह रहे हैं उस ज़माने के काफ़ी यूरोपियन साइंटिस्ट जो है फैसिनेट हुए थे वुड स्टील से, काफ़ी, मतलब वो लोग काफ़ी अचंभित हुए थे, काफ़ी जो है उन्हें अच्छा लगा था, क्यों, क्योंकि वो अब वो लोग भी इस पर रिसर्च करने लगे थे। जैसे कि एक माइकल फराडे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये, तो द माइकल फराडे द फेमस साइंटिस्ट स्पेंड 4 ईयर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड स्टील। अब जो माइकल फराडे थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आप इन बड़े हो जाएंगे, आप 9-10 की बुकें पढ़ेंगे तब इसमें माइकल फराडे का नाम भी आएगा, तो ये जो फेमस साइंटिस्ट हैं इन्होंने खाली 4 साल इसी पर लगा दिए थे वुड स्टील की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए, वुड स्टील की काबिलियत को जानने के लिए, वुड स्टील की बारे में खासियत की को पढ़ने के लिए उन्होंने खाली 4 साल लगा दिए। बट द कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश एंड द, एंड यहाँ पर है एंड द, ये द लिखा है बच्चों, एंड द इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन किल द आयरन एंड स्टील मैनुफैक्चरिंग बाई क्राफ्ट पीपल ऑफ इंडिया, दस वुड स्टील बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। क्या हुआ, मगर बाद में जो इंडिया में ब्रिटिश रूल आ गया, ब्रिटिश यहाँ पर हुकूमत करने लगे, एंड द इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन किल्ड द आयरन, उससे क्या होने लगा, जो इम्पोर्ट होने लगा आयरन और स्टील का, कहाँ से, ब्रिटेन से, उससे जो है आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग क्राफ्ट पर्सन्स थे, क्राफ्ट पीपल्स थे, उनकी जो काबिलियत थी उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया इन इंडिया, दस वुड स्टील बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, और ये जो वुड स्टील थी ये पास्ट की एक चीज़ रह गई, फिर बाद में ये वुड स्टील यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि अब क्या होने लगा, आयरन और स्टील कहाँ से आने लगी, ब्रिटेन से आने लगी, यहाँ के क्राफ्ट पर्सन्स अपनी जो काबिलियत थी जिससे वो आयरन स्टील बना रहे थे, मतलब वुड स्टील बना रहे थे, वो अब यूज़ ही नहीं हो रही थी वो स्किल्स, तो क्या होने लगा, वो चीज़ बस पास्ट की रह गई, एक याद बन के रह गई। उसके बाद द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, आप लोगों को टीपू सुल्तान की सॉर्ड के बारे में पता ही होगा, हर कोई उनके सॉर्ड के बारे में जानता है कि उनकी तलवार ऐसी होती थी कि अगर सामने से कोई तलवार चला रहा है तो वो अपनी तलवार से उनकी तलवार को काट दिया करते थे, इतनी मजबूत तलवार होती थी, इतनी स्ट्रांग तलवार होती थी कि वो अपनी तलवार से दूसरों की तलवार तक को काट दिया करते थे। अब ऐसा क्या होता था उनकी तलवार में,
यू मे हैव हर्ड अबाउट द फेमस सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। ये कह रहे हैं आपने हो सकता है सुना हो किसके बारे में, जो फेमस तलवार थी टीपू सुल्तान की उसके बारे में। द सॉर्ड वॉज वेरी हार्ड एंड इट्स शार्प एज कुड इजिली पियर्स द अपोनेंट्स आर्मर। ये कह रहे हैं उस ज़माने में जो टीपू सुल्तान के पास जो तलवार थी वो इतनी हार्ड थी, इतनी मजबूत थी, इतनी पैनी थी, उसकी नोकें, उसके जो किनारे थे वो इतने शार्प थे, इतने तेज़ थे, इतने पैने थे कि वो आसानी से सामने वाले के हथियारों को, आर्मर्स को, कपड़ों को, जो भी उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ढाल वाल जो भी ले रखा है वो सबको टुकड़ों में बांट दिया करती थी, टुकड़े बना दिया करती थी। उसके सामने वाले की तलवार को, सामने वाले के हथियार को वो टुकड़े में बांट देती थी, टुकड़े कर देती थी, उसे बिल्कुल ही तोड़ मतलब काट दिया करती थी। इतनी मजबूत तलवार थी कि सामने वाले के हथियार उसके आगे कुछ नहीं थे। द हाई क्वालिटी ऑफ सॉल्ट केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टील विच हैव हाई कार्बन कंटेंट। और ये जो हाई क्वालिटी की सॉल्ट जो थी, ये हाई क्वालिटी की जो ये तलवार थी ये कहाँ से आई थी, एक स्पेशल टाइप की स्टील से बनाते थे ये लोग, एक स्पेशल टाइप की स्टील से बनी थी ये तलवार, विच हैड हाई कार्बन कंटेंट, जिसमें कि हाई कार्बन कंटेंट मौजूद होता है, उसमें कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा डालते हैं जिससे वो मजबूत होती है। दिस वॉज कॉल्ड अ वुड स्टील, और इसे ही हम वुड्स स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड्स स्टील। द वुड्स स्टील मेड इट पॉसिबल टू मेक वेरी शार्प एज। और वुड स्टील की ही वजह से, उसी की मदद से, उसी की ही वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि उसकी बहुत ज़्यादा पैनी एजेस बना सकें विद फ्लोइंग वाटर पैटर्न। उसके साथ साथ एक फ्लोइंग वाटर पैटर्न, जैसे बहते हुए पानी का एक पैटर्न बनता था उसके ऊपर, इन द शॉर्ट, शॉर्ट के ऊपर, मतलब चमकदार बिल्कुल और बिल्कुल नोकीली, बहुत पैनी, बहुत मजबूत तलवार बनती थी। दिस कुड बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड इन द आयरन। और ये जब ही हो सकता है पॉसिबल जब कार्बन के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल उसके अंदर एम्बेडेड हों, दबे हुए हों, उसके अंदर मौजूद हों, तभी ये हो सकता है। उसके बाद मॉडर्न आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज़ इन इंडिया। इंडिया की मॉडर्न आयरन और स्टील फैक्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें क्या है, चार्ल्स वेल्ड एंड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड दोरब जी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेद जी टाटा। ये कह रहे हैं इंडिया के बारे के अंदर बात करेंगे अब। चार्ल्स वेल्ड थे, ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, और एक दोरब जी टाटा जो कि एल्डेस्ट सन थे जमशेद जी टाटा के। यहाँ पर क्या है, रीच्ड, क्या है, रीच्ड छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन ओर। ये छत्तीसगढ़ पहुँचे आयरन ओर डिपॉजिट के सर्च में, कि हमारा छत्तीसगढ़ में आयरन ओर मौजूद है कि नहीं, उसकी सर्च में, उसकी खोज में ये छत्तीसगढ़ पहुँचे। कब? अप्रैल 1904, 1904 में, अप्रैल के अंदर, ये मंथ अप्रैल में, अप्रैल के महीने में छत्तीसगढ़ पहुँचे। किसकी सर्च में? खाली किसकी खोज में? आयरन ओर की खोज में। दे स्पेंट अ लॉन्ग टाइम टू सर्च अ गुड सोर्स फॉर सेटिंग अप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट। उन्होंने काफ़ी वहाँ पर जो है टाइम बिताया, वक्त गुजारा, और काफ़ी सर्च किया कि जिससे वो अच्छी सोर्स सेट कर सकें, जिससे मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट का अच्छा सोर्स वहाँ पर बना सकें। जमशेद जी टाटा एम टू स्टार्ट अ ह्यूज आयरन एंड स्टील। और जो जमशेद जी टाटा थे उन्होंने एम किया, उनका उन्होंने क्या किया, उन्होंने मकसद बनाया कि वो वहाँ पर ह्यूज आयरन और स्टील, ये क्या है हमारा, ह्यूज आयरन और स्टील, फिर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45, स्टील प्लांट इंडिया के अंदर बनाएंगे। ठीक है, वो चाह रहे थे इंडिया के अंदर ह्यूज बड़ी एक आयरन और स्टील प्लांट यानी इंडस्ट्री खोली जाए, ठीक है, फैक्ट्री खोली जाए। उसके बाद फॉर दिस ही रिक्वायर्ड गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। अब जब इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर चाहिए। अब वो आयरन ओर कहाँ से मिलेगा? आफ्टर अ लॉन्ग सर्च वेल्ड एंड दोरब जी रीच अ स्मॉल विलेज। काफ़ी सर्च के बाद, काफ़ी खोज के बाद वेल्ट और डोरब जी दोनों ही कहाँ पहुँच गए? एक छोटे से गांव में पहुँच गए। एंड मेट अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन हु हैड ऑन देयर हेड बास्केट्स लोड्स ऑफ आयरन ओर। क्या हुआ, जब वो खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, ढूंढते ढूंढते एक गांव में जाके पहुँचे, वहाँ पर जो है क्या, वो किससे मिले? एक ग्रुप था आदमी और औरत का जो कि अपने सर पे, हु हैड ऑन देयर हेड बास्केट्स, ये कह रहे हैं लोड्स ऑफ आयरन ओर, उनकी जो सर की जो बास्केट्स थी वो आयरन ओर से लदी हुई थी, आयरन ओर से भरी हुई थी। ऐसे ग्रुप से मिले जो औरतें और वहाँ पे आदमी थी, उनके सर पे बास्केट रखी हुई थी, उस बास्केट में आयरन ओर था। दीज वर आगारीज, उसे आगारीज के नाम से जाने जाते हैं वो, हु टोल्ड देम दैट दे हैड फाउंड द आयरन, जिन्होंने बताया कि उन्हें ये आयरन मिला।
वेल्ड एंड दोरब जी देन जर्नी टूअर्ड द डेंस फॉरेस्ट टू रीच द हिल। और फिर उसके बाद ही जैसे ही उन्हें उन लोगों ने दोरब जी जो अगरीज थे तो अगरीज ने बताया कि हमें ये आयरन और वहाँ से मिला ऐसे मिला, तो वो लोग फौरन ही वहाँ से जर्नी पे निकल गए, अपने सफ़र पे निकल गए, किस लिए किस तरफ, टूवर्ड्स द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द टू रीच द हिल। घने जंगलों में निकल चुके थे वो, वहाँ से घने जंगलों में खोज करने निकल गए और पहाड़ तक पहुँचने के लिए, सर्चिंग द हिल, अब पहाड़ के लिए वो खोज कर रहे थे। वेल डिक्लेयर दैट दे हैड डिस्कवर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन राजहरा हिल्स। तो वो खोजते खोजते जब जा रहे थे तो वेल्ड ने डिक्लेयर किया कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का फाइनेस्ट ओर हमें कहाँ मिला, राजहरा हिल्स में। कहाँ पर, राजहरा हिल्स में उन्हें फाइनेस्ट क्वालिटी का क्या मिला, आयरन ओर मिला। उसके बाद हाउएवर द प्रॉब्लम डिड नॉट एंड देयर, और ये कह रहे हैं उस ज़माने में अब जब ये लोग खोज करते हुए जा रहे थे, इन्हें पता भी चल गया कि राजहरा हिल्स में अच्छी क्वालिटी का हमें आयरन ओर मिल जाएगा, उसके बावजूद इनकी प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। इट वॉज अ ड्राई रीजन विद स्कार्सिटी ऑफ वाटर, परेशानी क्या थी कि वो सूखा रीजन था जहाँ पर पानी की बहुत कमी थी, ठीक है, वहाँ पर पानी की किल्लत थी, विद स्कार्सिटी ऑफ वाटर। उसके बाद सो दे हैड टू सर्च अ सोर्स ऑफ वाटर, तो इसके लिए उन्हें पानी की भी ज़रूरत पड़ रही थी, पानी की भी खोज करनी पड़ रही थी, तो इन्हें एक पानी भी की भी खोज करनी है। द अगरीज हेल्प देम सर्च फॉर अ सोर्स ऑफ आयरन और दैट वुड सब्सिक्वेंटली सप्लाई द भिलाई, क्या भिलाई स्टील प्लांट। ये कह रहे हैं जो अगरीज थे उन्होंने मदद किया कि आयरन ओर का सोर्स कहाँ से वो लोग ढूंढ सकते हैं, आयरन ओर उन्हें कहाँ से मिल सकता है, जो कि आप लोग मतलब जो कि वो लोग सब्सिक्वेंटली जो है भिलाई स्टील प्लांट में उसे सप्लाई कर पाएँ। भिलाई स्टील प्लांट्स में उन लोगों को आयरन ओर सप्लाई करना था, तो जो अगरीज थे उन लोगों ने उन्हें मदद की कि आयरन ओर को ढूंढने में, आयरन ओर को खोजने में। ग्रेजुअली आज लार्ज ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट लैंड वॉज क्लियर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। फिर क्या हुआ, उसके बाद ही एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जंगल का काट दिया गया, साफ़ कर दिया गया, किसके किनारे, नदी के किनारे, कौन सी, रिवर सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा एक नदी है, रिवर सुबर्णरेखा, उसके किनारे का एक जंगल इन्होंने काट दिया टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्री एंड एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप कॉल्ड जमशेदपुर। किस लिए, वहाँ पर वो लोग फैक्ट्री और एक टाउनशिप बनाना चाहते थे जिसका नाम जमशेदपुर पड़ा, तो वो जमशेदपुर जो सुबर्णरेखा नदी है उसके किनारे उन्होंने जंगलों को काटा था खूब बड़ी तादाद में, और वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और इंडस्ट्रियल टाउन बनाया पूरा, उसे अब हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। वाटर वॉज अवेलेबल इन सफिशियंट क्वान्टिटी इन जमशेदपुर, और वहाँ पर उन्हें पानी भी मिल रहा था जमशेदपुर में, क्यों, क्योंकि वो नदी के किनारे ही बसाया गया था तो वहाँ पर पानी तो मिलेगा ही। इन 1912, फिर क्या हुआ, 1912 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, आपने टिस्को सुना होगा, अभी भी सुनते होंगे, टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को स्टार्टेड इट्स प्रोडक्शन ऑफ स्टील एट विद जमशेद जी टाटा। तो इन्होंने क्या हुआ, टिस्को जो कंपनी है वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, किसके साथ साथ, प्रोडक्शन ऑफ स्टील विद जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा जो हैं उन्होंने स्टील प्रोडक्शन वहाँ पर स्टार्ट कर दिया एज द फाउंडर ऑफ कंपनी। फाउंडर कौन थे कंपनी के, जमशेद जी टाटा, ये हैं जमशेद जी टाटा। उसके बाद कंपनी टिस्को स्टार्टेड इस प्रोडक्शन, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ द रेलवे इन इंडिया लेड टू अ वास्ट मार्केट फॉर रेल्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटेन, और ये कह रहे हैं जो ग्रोथ थी रेलवे की इंडिया के अंदर उससे काफ़ी मार्केट में प्रोडक्शन फास्ट लेड टू वास्ट मार्केट, उससे काफ़ी बड़ी मार्केट्स में क्या हुआ, बड़ा मतलब काफ़ी मार्केट्स बनने लगी, किसके लिए, फॉर रेल्स प्रोड्यूस बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन्स के जरिए जो रेल्स प्रोड्यूस हो रही थी उसके लिए। ब्रिटिश एक्सपोर्ट ऑन इंडियन रेलवेज कुड नॉट बिलीव, और जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स थे, सॉरी नॉट एक्सपोर्ट, ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ऑन इंडियन रेलवेज, जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स थे इंडियन रेलवेज पे, वो बिलीव नहीं कर रहे थे दैट इंडिया कुड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ स्टील। वो लोग ये बिलीव नहीं कर रहे थे कि इंडिया भी अच्छी क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस कर सकता है। जो ब्रिटिश के एक्सपर्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर थे, जिन्हें काफ़ी नॉलेज थी इसके बारे में, स्टील के बारे में, तो वो लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया के अंदर भी इतनी अच्छी क्वालिटी की स्टील प्रोड्यूस हो सकती है। बट द सिचुएशन चेंज आफ्टर टिस्को वॉज स्टार्टेड, मगर जब सिचुएशन चेंज हुई, जब टिस्को स्टार्ट हुई, कब सिचुएशन चेंज हुई, जब इन्होंने टाटा क्या टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी स्टार्ट हुई, तब इन्हें भरोसा हुआ कि हाँ इंडिया के लोग भी काफ़ी अच्छी और फाइन क्वालिटी की स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं, आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914, फिर 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर होने लगी, 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर मतलब हर मुल्क एक दूसरे से लड़ रहा होता है।
द ब्रिटेन द स्टील कंपनी हैड टू मीट द डिमांड फॉर ऑफ वॉर इन यूरोप इन ब्रिटेन सॉरी नॉट द ब्रिटेन यहाँ पर लिखा इन ब्रिटेन द स्टील कंपनी हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप। अब क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर जो है स्टील कंपनी को जो है डिमांड हो गई वॉर के लिए, डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप, यूरोप के अंदर वॉर चल रही थी, अब उन्हें भाई हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी तो स्टील की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, स्टील कंपनी को अब उसकी ज़रूरत पड़ रही थी। ब्रिटेन वॉज नॉट इन पोजिशन टू इम्पोर्ट स्टील इन टू इंडिया। अब ब्रिटेन इतना आसान नहीं था, ब्रिटेन इस पोजिशन में नहीं था कि वो इंडिया के अंदर स्टील इंपोर्ट कर पाए। दस डे डिपेंडेड ऑन टिस्को। तब अब जो ब्रिटेन वाले जो ब्रिटेन से अपने स्टील को यहाँ पर नहीं मंगवा पा रहे थे तो उन्होंने टिस्को से यानी टाटा आयरन और स्टील कंपनी से ही यानी टिस्को से अब रेल्स की सप्लाई के लिए उन्होंने डिपेंड हो गए, वो लोग डिपेंड हो गए टिस्को पे रेल्स की सप्लाई के लिए। सिंस वॉर कंटिन्यूड फॉर सेवरल ईयर और यहाँ तक के जो वॉर थी जो लड़ाई थी वो काफ़ी सालों तक चलती रही, टिस्को वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस रेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर। तो जो टिस्को थी उसे वो लोग जो है रेल्स और कैरेज व्हील्स के लिए, कैरेज के पहिए के लिए जो है वॉर के लिए लड़ाई के लिए रेल्स और कैरेज व्हील्स को बनाने के लिए वो लोग उसकी मांग करते रहे टिस्को से। इससे क्या हो रहा था, टिस्को भी खूब चली जा रही थी, टिस्को का भी नाम हो रहा था। बाई 1919 अब 1919 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बाइंग नियरली 90% स्टील मैन्युफैक्चर बाई टिस्को। ये कह रहे हैं 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो है उस जमाने में 90% स्टील जो है टिस्को से खरीद रही थी, क्योंकि ब्रिटेन से आ ही नहीं पा रहा था अब, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो कैसे ब्रिटेन से मंगवाते वो लोग। इट मेड टिस्को द लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। और इससे क्या हुआ, टिस्को जो है सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन गई, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही वो सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री मानी गई, क्योंकि उस ज़माने में अब जब वर्ल्ड वॉर चढ़ी हुई है, वर्ल्ड वॉर लड़ रही है, आपस में सब सारे मुल्क लड़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो ब्रिटेन से सामान मंगाना, ब्रिटेन से स्टील मंगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो टिस्को से ये जो इंडिया की कंपनी थी इससे ही अब सामान ये लोग खरीदने लगे और 90% यहीं से ये लोग खरीदने लगे। इससे क्या हो रहा था, स्टील यहाँ की जो टिस्को कंपनी थी इसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल्स आल्सो ग्रू इन इंडिया लाइक आयरन एंड स्टील। ये कह रहे हैं उस ज़माने में कॉटन टेक्सटाइल्स जो थे इंडिया के अंदर वो भी बढ़ने लगे जैसे कि आयरन और स्टील जो थी वो भी। बट इट एक्सपेंडेड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन। कब, मगर ये जब एक्सपेंडेड हुआ जब खाली ब्रिटिश इंपोर्ट जो है इंडिया के अंदर डिक्लाइन हो गया था, मतलब ब्रिटिश से बाहर से कोई सामान नहीं आ पा रहा था इंडिया के अंदर तभी ये एक्सपेंड हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ बून, और यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है यही एक बून था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही यहाँ पर ये एक्सपेंड हो रहा था, ये सारी चीज़ें इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये सब ऊँची हो रही थी, मतलब उसका नाम हो रहा था क्योंकि बाहर से सामान आ नहीं पा रहा था। वेन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रू एंड द इंडस्ट्रियल क्लास ग्रू स्ट्रॉन्ग। अब क्या हुआ, जब नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ा और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रीज क्लास थी, इंडस्ट्रियल क्लास थी, वो स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई। द नीड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री बिकम लाउड। तो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऊँची हो गई, ज़रूरी हो गई, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ने लगी। सिंस ब्रिटेन वॉन्टेड द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल क्लास टू रूल ओवर इंडिया। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन चाह रहा था कि इंडस्ट्रियल क्लास का उसे सपोर्ट मिले इंडिया पे रूल करने के लिए। दे गेव इन टू मैनी ऑफ दीज डिमांड्स ड्यूरिंग द लास्ट डिकेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। और उससे जो है उन्होंने काफ़ी जो है डिमांड्स दी किसे, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, जब तक ब्रिटिश रूल चलता रहा उससे उन्होंने काफ़ी उनकी डिमांड्स को क्या किया, दे गेव इन टू मैनी दीज डिमांड्स, उनकी काफ़ी डिमांड्स को उन्हें पूरा किया क्योंकि उन लोगों का उन्हें सपोर्ट चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर की रीडिंग ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करने जा रहे हैं, वैसे तो हमारी अब यहाँ पर अब एक्सरसाइजेस बची हैं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो हम इसे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, या चलिए इसी में कर लेते हैं, हमारा ये तो हो ही गया है, पार्ट नंबर 8 में हो गया है, तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से वन बाई वन। तो पहला हमारा क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी से करेंगे, ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, पहला इसमें क्या है, टिक द करेक्ट है, जल्दी से करेंगे, ठीक है। मुस्लिम इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, मुस्लिम वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, मैंने बताया था मुस्लिम वर्ड मौसूल वर्ड से ड्राइव हुआ है, किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, मौसूल वर्ड से लिया गया है मुस्लिम वर्ड। उसके बाद है सेकंड, तो इस पर आप टिक कर लिए बी पर। फिर सेकंड है, कैलिको एक्ट वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़, ये कह रहे हैं किस इंडस्ट्रीज से कैलिको एक्ट जो है रिलेट करता है, तो मैंने बताया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेट करता है कैलिको वर्ड, तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, आप इस पर टिक कर लिए, पहले का बी दूसरे का सी।
उसके बाद तीसरा क्या है, व्हाट स्टील वॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, ये करें वो स्टील जो है वो उसका प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था, किस राजा के हुकूमत में, तो मैंने बताया था टीपू सुल्तान जो थे उनके टाइम में, उनकी हुकूमत में वो स्टील प्रोड्यूस होना शुरू हुई थी, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर फोर्थ है, टाटा फाउंड आयरन डिपॉजिट इन विच ऑफ दीज हिल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इंस्टेंस, ये कह रहे हैं पहली बार जो टाटा थे उन्होंने सबसे पहले आयरन डिपॉजिट कहाँ पर उन्हें मिला, तो हमने बताया था कि राजा हरा हिल्स में इन्हें मिला था, कहाँ पर, राजा हरा हिल्स, इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का सी। अब पाँचवा है, ब्रिटेन बिकम वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड इन, जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड का वर्कशॉप कब बना, 1850 में, कब, 1815 में, क्यों, क्योंकि उस ज़माने में ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा नाम हो गया था, ब्रिटेन की टेक्सटाइल्स काफ़ी ऊंचाई पर थी, तो ये क्या हो गया हमारा 1850 में, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, आप इस पर टिक कर लिए, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का सी, उसके बाद पाँचवें का ए। फिर हमारा है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स पूरा पूरा लिखना होगा, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। फर्स्ट, बिफोर द कॉलोनियल रूल इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड, ये कह रहे हैं कॉलोनियल रूल से पहले जो इंडिया था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल्स का वर्ल्ड के अंदर, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, पहले जो है जब कॉलोनियल रूल नहीं था तो हमारा इंडिया जो है सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर पेज थोड़ा मुड़ा हुआ है तो इसलिए राइटिंग थोड़ी आपको अजीब लग सकती है, तो ये वैसे हमने ट्रू लिख दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉटन क्लोथ इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन वर वेरी कॉस्टली कंपेयर टू लोकली मेड कॉटन क्लोथ, ये कह रहे हैं जो कॉटन क्लोथ ब्रिटेन से एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट होके आ रहे थे, यहाँ पर इंडिया के अंदर आ रहे थे, इंपोर्ट हो रहे थे, वर वेरी कॉस्टली लोकली टू लोकली मेड कॉटन क्लोथ, जो हम कॉटन क्लोथ बना रहे थे उसके मुकाबले जो कॉटन क्लोथ इंपोर्ट होके आ रहे थे वो कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो ऐसा कुछ था क्या, तो हमें यही बताना है, तो आपको बताएं हम कि ऐसा कुछ नहीं था, जो ब्रिटेन से कपड़े आ रहे थे वो सस्ते थे, इसी वजह से इंडिया के कपड़े महंगे पड़ रहे थे, इंडिया के कॉटन क्लोथ महंगे थे, जिसकी वजह से इंडिया की टेक्सटाइल्स कंपनीज पीछे हो रही थी, ठीक है, और उन्हें कॉम्पिटिशन में परेशानी हो रही थी, ये क्या हो गया फॉल्स। फिर दूसरा क्या है, टिल इंडिपेंडेंस देयर वॉज नो डिमांड फॉर स्टील फ्रॉम द टिस्को प्लांट, ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट तक जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ जब तक इंडिया की टिस्को प्लांट जो था वहाँ से कोई डिमांड नहीं थी, टिस्को कोई खरीदी नहीं गई, तो ऐसा नहीं है क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो इंडिया डिपेंड तो नहीं मतलब इंडिया आज़ाद तो नहीं हुआ था, उससे पहले ही टिस्को जो प्लांट था उससे बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई थी, 90% जो ब्रिटेन था वो इंडिया से ही खरीद रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर में अपनी जगह से वो मंगा ही नहीं पा रहा था, तो इंडिया कहाँ से खरीद रहा था, इंडिया से। फिर उसके बाद यहाँ पर फोर्थ है, वुड स्टील वॉज यूज इन मेकिंग स्वॉर्ड्स, ये कह रहे हैं वुड स्टील जो है उस ज़माने में कब यूज़ हुई थी, स्वॉर्ड्स बनाने में, तलवारें बनाने में, तो ये बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट्स, चौथा वाला हमारा ट्रू है। देखिए पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। पांचवा क्या है, कैलिको एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ये कह रहे हैं जो कैलिको एक्ट था वो इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड हुआ था, तो जैसे कि हमने बताया अभी कैलिको एक्ट के बारे में, तो जो कैलिको एक्ट था वो इंडिया के अंदर नहीं हुआ था, देखिए यहाँ पर आपने बताया था, आपको पीछे देखिए यहाँ पर लिखा है इन 1720 द यूज़ ऑफ चिंस वॉज बैंड इन इंग्लैंड बाय द कैलिको एक्ट, कैलिको एक्ट के जरिए इंग्लैंड के अंदर चिंस जो क्लोथ थे जैसे मैंने बताया क्लोथ चिंस जो थे वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि वो लोग जो वहाँ के लोग थे वो लोग सोचने लगे कि हमारी तो कंपनीज चली नहीं रही हैं, इंडिया के चिंस के जो कपड़े हैं वही चल रहे हैं, तो उन लोगों ने कैलिको एक्स के जरिए इंडिया से इंपोर्ट करना चिंस को मना कर दिया, तो ये कैलिको एक्स कहाँ पर शुरू हुआ था, इंडिया के अंदर नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्या होगा ये फॉल्स हो गया, इस पर आप फॉल्स कर दिए। फिर नेक्स्ट है, टिस्को वॉज द लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्री इन द ब्रिटिश एम्पायर, ये कह रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो टिस्को था वो सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री थी, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि उस ज़माने में जब ब्रिटिश एम्पायर हमारे इंडिया के अंदर हुकूमत कर रही थी तो टिस्को जो है सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, तो ये क्या हो गई ट्रू। मैं एक बार आपको दोबारा से पढ़ के बता रहा हूँ, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, क्या है ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ हो सकता है सही से नज़र ना आ रहा हो इसलिए मैंने बोल दिया ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कुछ हो रही हैं, कुछ अभी कर लेते हैं हम साथ के साथ कुछ करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, द वर्ड चिंट्स केम फ्रॉम द वर्ड चिंट, जैसे कि मैंने बताया जो हमारा वर्ड है चिंट्स वो किस वर्ड से आया है, चिंट वर्ड से आया है। टीपूज सॉर्ड वॉज मेड ऑफ, जो टीपू की सॉर्ड थी, टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो किससे बनी थी, वुड स्टील से बनी थी। नेक्स्ट है, इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन इन द डैश सेंचुरी, ये कह रहे हैं जो इंडिया की
टेक्सटाइल थी उसका एक्सपोर्ट होना किस सेंचुरी में कम हुआ, किस सेंचुरी में इंडिया की जो एक्सपोर्ट मतलब इंडिया जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो उसका एक्सपोर्टेशन कब बंद हुआ, किस ज़माने में, किस सेंचुरी में आके उसका डिक्लिनेशन शुरू हुआ। तो कब हुआ था ये, 19 सेंचुरी में। कब हुआ था ये, 19 सेंचुरी में। 19 सेंचुरी में आके जो इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स था उसका एक्सपोर्टेशंस बंद हो गया था, बिल्कुल तरह बुरी तरह से डिक्लाइन हो गया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 19 सेंचुरी लिख लिए, यहाँ पर लिख लिए 19th, यहाँ पर लिख लिए आप 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th, 19वीं सेंचुरी में इसका डिक्लिनेशन शुरू हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 47 पे, फोर्थ है, जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डैश रिवर। मैंने बताया था जमशेदपुर जो है वो किस रिवर के, किस नदी के किनारे बनी हुई है, तो मैंने बताया था सुबर्णरेखा। कौन सी नदी है, सुबर्णरेखा, SUBAR, सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा जो नदी थी उसके पास जो जंगल था उसे काट कर वहाँ पर बनाया गया था जमशेदपुर। तो ये क्या हो गया, सुबर्णरेखा हो गया। स्टूडेंट्स राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, साफ साफ अपने आप लिख लीजिएगा, सुबर्णरेखा, SUBARNAREKHA। उसके बाद फिफ्थ है, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन। ये कह रहे हैं सबसे पहले जो कॉटन मिल इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए ये लिखा है द पार्टीशन ऑफ, यहाँ पर बंगाल। उसके बाद द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टार्टेड इन 1854 एट बॉम्बे। कब स्टार्ट हुई थी, 1854 बॉम्बे के अंदर, कब, 1854, यही लिखा है द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1854 एट बॉम्बे। कहाँ पर, बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी ना, 1854 एट बॉम्बे। उसके बाद हम मैच द कॉलम करेंगे, पहला क्या है, टांटेज, फिर जुलाहा, कैलिको, एगारीज, रंगरेज। तो ये अलग अलग जगह हैं, टांटीज, जुलाहा कौन थे और ये कैलिको कौन थे, कैलिको है क्या, तो कैलिको क्या था ये, या किससे रिलेट करता है, और ये रंगरेज क्या था। तो पहले का यहाँ पर अब वन बाई वन हम इसे मैच करेंगे, ठीक है। तो पहले का क्या है इसका, एक मिनट, अब देखिए पहले पहले है हमारा टांटीज, तो इसे वन बाई वन करते हैं। पहले क्या है, टांटीज, तो टांटीज कहाँ के थे, ये बंगाल के थे स्टूडेंट्स, कहाँ के थे, बंगाल में थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जुलाहा, तो जुलाहा अभी छोड़िए, हमें दो जुलाहा के बाद आते हैं कैलिको। कैलिको क्या था, ये प्रिंटेड कॉटन थी, क्या था इसमें, प्रिंटेड कॉटन थी। कैलिको एक्ट इसीलिए तो पास हुआ था, जो कैलिको प्रिंट्स था उसे इंडिया के अंदर रखा जाए और वहाँ पर ब्रिटेन में ना आए, या बाहर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे बैंड कर रही थी। तो कैलिको क्या था, प्रिंटेड कॉटन थी। तो ये थर्ड हो गया, ये बिल्कुल आमने सामने है मैचिंग इसकी। अगारिया कौन था, अगारिया ही वही थे जो कि आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करके ले जा रहे थे अपने सर पे, तो उन्हें देख के टाटा ने कहा को क्या मिला, आयरन ओर मिला। उसके बाद रंगरेज कौन थे, वो क्लोथ्स को डाई करते थे, क्या करते थे, क्लोथ्स डाई करना। अब ये जुलाहा क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस से मिल रहा है इसका, तो ये इससे मिला दिए, ऐसे इसका क्लियर नहीं है तो इसका ऐसे ही मिला दिया। अब इससे क्या है, 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल सीरीज़ में इसका आंसर है। फिर है हाउ आंसर, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, व्हाट इज़ जमदानी। अभी जमदानी क्या था, बनादन्ना क्या था, अगारीस कौन थे, हु और अगारीस, अगारीस वहाँ की जो पीपल्स थे, लोग थे, वो थे अगारीस। उसके बाद हु और द टांटीज, टांटीज कौन थे, ठीक है, हाउ डिड दे पास द आर्ट ऑफ वीविंग, और उन्हें आर्ट ऑफ वीविंग कैसे पता चली। तो जमदानी कौन थे, जमदानी इज़ द फाइन मुस्लिन, क्या था, जमदानी इज़ द फाइन मुस्लिन। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 41 है स्टूडेंट्स, देखिए पेज नंबर 41, आंसर नंबर फर्स्ट पेज नंबर 41 पे है इसका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ई, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी इसका आंसर लगा देते हैं, जमदानी वॉज अ फाइन, इज़ अ फाइन मुस्लिन, डेकोरेट्स विद डेकोरेट से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ। चलिए नेक्स्ट पेज, वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, व्हाट इज बनादन्ना। अब ये बनादन्ना क्या है, तो स्टूडेंट्स हम पॉज करके पूरे आंसर पहले लगा देते हैं वरना इसमें टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमने ये बता दिया आपको जमदानी, बाकी हमने कर लिया है वरना टाइम लगता, तो अब आपको पहले से हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बताया पेज नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज ई का पेज नंबर 41 पे, तो दोबारा से बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा हमारा जमदानी, पूरा इसकी डेफिनेशन हो गई, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई है ये, शायद हमारा एफ लिख दिया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर है व्हाट इज़ जमदानी, एक्सरसाइज ई है, तो यहाँ पर आप इसे एक्सरसाइज ई कर दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे ई कर देते हैं, तो ये ई है एक्सरसाइज, इसे ई कर देते हैं।
फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर टू पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज बनादन्ना। बनादन्ना क्या था, व्हाट इज बनादन्ना, पेज नंबर 42 पे है इसका आंसर, व्हाट इज बनादन्ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से आ जाइए। यहाँ पर बनादन्ना है, द वर्ड बनादन्ना मीन्स अ ब्राइट कलर्ड एंड, द वर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, कहाँ से, द वर्ड बनादन्ना मीन्स अ ब्राइट कलर एंड, फिर यहाँ पर एंड, उसके बाद प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड, इससे पूरा यहाँ पर हमारा डाइंग तक, ठीक है, डाइंग तक आंसर है, द वर्ड से लेकर पूरा डाइंग तक। ठीक है स्टूडेंट, द वर्ड से लेकर डाइंग तक आंसर नंबर टू एक्सरसाइज ई का। अब क्वेश्चन नंबर टू पे, थ्री पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है यहाँ पर, हु वर द अंगरेज, ये अंगराज, जो अंगराज थे वो लोग कौन थे, पेज नंबर 45 पे इसका आंसर है, मैंने बताया था अभी, पेज नंबर 45 पे यहाँ पर, वेल्ड एंड दोरब जी रीच अ स्मॉल विलेज एंड मेट अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन हु हैड ओन देयर हेड बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर, दीज वर अंगारीज हु टोल्ड देम दैट दे हैड फाउंड द आयरन ओर। तो ये आंसर नंबर थ्री हो गया एक्सरसाइज ई का, आंसर नंबर थ्री हो गया वेल्ड से लेकर पूरा आयरन ओर तक। ठीक है, आयरन तक, वेल्ड से लेकर आयरन तक आपका आंसर हो गया थ्री एक्सरसाइज डी का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रीज, इसे पूरा डिटेल में बताना पड़ता है तो हमने इसे कट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप, ये कह रहे हैं यूरोप में किस तरह की क्लोथ की लार्ज मार्केट बनी हुई थी, पेज नंबर 41 पे आ जाइए इसका आंसर, पेज नंबर 41 पे है आंसर नंबर फाइव एक्सरसाइज डी। आंसर नंबर फाइव देखिए यहाँ से है, ट्रेड से लेकर यहाँ पर, मैंने यहाँ तक जो दूसरा आंसर है ये, इधर से ये दूसरा आंसर है और यहाँ से हमारा आंसर नंबर फाइव स्टार्ट होता है, ट्रेड से लेकर, ट्रेड से लेकर पूरा, ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल्स बिगिन इन 16th सेंचुरी एंड इट बिकम सो पॉपुलर इन यूरोपियन मार्केट्स दैट मेनी इंग्लिश वर्ड्स बीइंग यूज्ड फॉर टेक्सटाइल हैव एन इंडियन ओरिजिन। आंसर नंबर फाइव एक्सरसाइज ई, यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रेड से लेकर, ट्रेड से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ आंसर नंबर फाइव एक्सरसाइज ई का। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देख लिए, ट्रेड से ओरिजिन तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है हमारा, व्हाट ट्रेडिशनल, विच ट्रेडिशनल कम्युनिटी वॉज इन्वॉल्व इन मेथड ऑफ डाइंग क्लोथ, ये कह रहे हैं कौन सी ट्रेडिशनल कम्युनिटी थी जो कि क्लोथ्स को, कपड़े को डाई करने में जुड़ी हुई थी, मेथड में इन्वॉल्व थी। तो ये आंसर नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको होमवर्क है, आपको इसका नाम बताना है, इधर कहीं से भी बुक से सर्च करिए या इधर उधर से सर्च करिए और इसका आंसर लिखिए। ठीक है, बस कम्युनिटी का नाम बताना है। फिर आ जाते हैं एफ पर, ये कह रहे हैं हु वर द वीवर्स नेम सम ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया, पेज नंबर 43 पे, वीवर्स कौन होते थे उनके कुछ कम्युनिटी के नाम बताने हैं, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ। तो ये रहा पीपल हु स्पेशलाइज इन वीविंग क्लोथ आर कॉल्ड वीवर, वो वीवर कहलाते थे, उसके नाम है। फिर यहाँ पर द तांटी ऑफ बंगाल, दुजला एंड मोमिन ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल्क और केकुलर एंड दिवांग ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वीवर्स कम्युनिटी इन इंडिया। तो पहले यहाँ से लिखना है पीपल से लेकर वीवर्स तक, वीवर्स के बाद यहाँ से लिखना है द तांटी से लेकर पूरा इंडिया तक। ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज एफ का, ये एक्सरसाइज एफ लिखा है बच्चों, ये इसका ब्रैकेट का है। ठीक है, ये एक्सरसाइज एफ है। ठीक है, एक्सरसाइज एफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वर द यूनिक फीचर ऑफ वुड स्टील, ये कह रहे हैं वुड स्टील का यूनिक फीचर क्या था, पेज नंबर 44 पे मैंने इसका आंसर लिख रखा है, वुड स्टील का यूनिक फीचर बताना है, पेज नंबर 44 पे देखिए यहाँ से पूरा है ये, फ्रांसिस से लेकर पूरा यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, आंसर नंबर टू एक्सरसाइज एफ। अब ये भाई डिटेल में बताने तो आंसर तो थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, फ्रांसिस से लेकर पूरा यहाँ तक, सेंट्रल एशिया तक, ये आंसर नंबर टू हो गया एक्सरसाइज एफ का। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वाज द रीजन फॉर पॉपुलरिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, तो ये कह रहे हैं रीज़न बताओ कि कॉटन टेक्सटाइल इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलर क्यों थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया वर, WERE वर वेरी पॉपुलर बिकॉज, बिकॉज के बाद आपको बुक से लेना है, पेज नंबर 41 पे आ जाइए, बिकॉज के बाद बुक में आ जाइए पेज नंबर 41। कैसे लिखेंगे आंसर, कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया वर वेरी पॉपुलर बिकॉज, फिर पेज नंबर 41 पे देखिए, बिकॉज टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडिया वर नोन फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड इक्विसाइड क्राफ्ट्समैनशिप, इंडिया टेक्सटाइल वर वाइडली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, जावा, सुमित्रा एंड पेनांग वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इंडियन टेक्सटाइल। तो यहाँ तक आंसर नंबर थ्री एक्सरसाइज एफ का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आंसर नंबर थ्री कंप्लीट हो गया, शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से शुरू हुआ है, देखिए मैंने एरो लगा रखा, यहाँ से शुरू हुआ है टेक्सटाइल से और इंडियन टेक्सटाइल पर आके यहाँ पर खत्म हो गया इसका आंसर नंबर थ्री, और ये जो शुरू हुआ ये आंसर नंबर फाइव है ई का, मैं करा रहा हूँ एफ का, एफ का मेरा यहाँ तक टेक्सटाइल तक खत्म हुआ, टेक्सटाइल से ही शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए बहुत बड़ा था, मैंने कट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसकी स्पेशलिटी क्या थी, उसकी खासियत क्या थी। तो यहाँ पर आ गए हम
द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान पे हमने पूरा बताया, यहाँ से यू में से लेकर यहाँ तक वुड स्टील तक, कि वो वुड स्टील की बनी हुई थी, इस वजह से वो बहुत खास थी, बाकी दूसरों की तलवारों को काट दिया करती थी आसानी से। तो ये हो गया आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज एफ, आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज एफ, यू से लेकर पूरा वुड स्टील तक। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पिनर हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। ये कह रहे हैं जो वीवर्स और स्पिनर्स थे उनके साथ क्या हुआ जब उन्होंने अपनी जिंदगियां मतलब उनके काम छूट गए। तो पेज नंबर 43 पे आ जाइए, यहाँ पर लिखिए वीवर्स एंड स्पिनर हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड से लेकर पूरा ट्रांजिशन तक, आंसर नंबर 6 हो गया एक्सरसाइज ई का, सॉरी एक्सरसाइज एफ का, एक्सरसाइज एफ हो गया आंसर नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।